आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ इंडिया के पहली सक्सेसफुल ट्रांस मॉडल के रूप में उनकी पहचान है बहुत बहुत स्वागत है खुशी आपका बैठकी में असलामीकुम नमस्ते सत जब पैदा हुई तो आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती थी और वो डर गई की भाई कोई उठा कर ले जाए ऐसी बन रही थी तभी मेरे आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने मेरी मम्मी से बात करना बंद कर दिया था इसलिए बात करना बल्कि इनके घर में एक खिचड़ा रहता है चक्का रहता है अगर इसके बच्चे हमारे बच्चे इनके घर जाएंगे या इनके इसके साथ खेलेंगे तो वो भी ऐसे बन जाएंगे मेरे डैडी की सगी बहन मेरी मम्मी से बात नहीं करती थी आज वो मम्मी से आके पूछते हैं उसको बुलाओ एक फोटो तो निकालनी है स्कूल में बच्चों का कैसा रिएक्शन होता था टीचर थे मैं उनका नाम लूंगी मैथ्स टीचर थे बड़े बदतमीज थे उनका जो मेरी तरफ अट्रैक्शन था वो कुछ अलग था है। वो यूज़ टू चौक लेके वो मेरी दोंगली के बीच में ऐसा प्रेस करने की कोशिश करते थे आपको पहली बार कब पता चला कि ना मैं लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ फील हो गया था कि मतलब कि मैं इनके बीच का हिस्सा नहीं हूँ तो एक दिन मैंने माँ से पूछी कि मम्मी इस दुनिया में मैं ऐसी अकेली के और भी लोग हैं तो वो कुछ बोली नहीं अभी हाल के बीते दिनों में हम लोगों ने देखा है कि एक ट्रेंड है जो भी हम सीरीज़ या फिर फिल्म में देखते हैं वो एल जी बी टी की कम्यूनिटी पर बन रही हैं उनको फोकस में रख के कुछ लोगों ने यह भी बोला कि आपकी कम्युनिटी से कि हम लोगों को क्यों नहीं लिया जा रहा है हम खुद वो रोल प्ले कर सकते हैं बिल्कुल सही बोला है जिसने भी बोला है जितने टैलेंटेड जो ट्रांस हैं जो हमारे कम्युनिटी से हैं और मेरे साथ के जितने भी कलीग्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं अगर एक चांस किसी ट्रांस एक्ट्रेस को दे दिया जाए तो वो बहुत बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि एक मौका मिलना ज़रूर चाहिए ढाबे पे कैसे पहुंची वो कहानी क्या है जैसे मैं समाज में कनेक्ट हो चुकी थी दूसरे तीसरे लोगों के साथ में तो मैंने वो लंबी लाइन देखी थी ट्रक की मैं वो ट्रक की लाइन में बिल्कुल पूरी मंग पूरी यहाँ से लेके कर ला, लास्ट तक मैं पूरा मंगती थी पूरा रात भर वो बुला के पूछते थे असली है नकली है दिखा एक बार अंदर आ जा एक रुपया क्या मंग रही पचास रुपये देता हूँ अंदर आ जा कैसे अनुभव थे वो तो आपने कभी सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया? हाँ, मैंने करवाया। कैसा अनुभव था वो उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए और क्यों करवाया क्या लेकिन मैंने बॉय टू फीमेल वाला नहीं करवाया मैं ट्रांसजेंडर टू फीमेल बनने की बड़ी अरमान हुए थे मेरे आपको प्यार हुआ था जी बिल्कुल मुझे प्यार हुआ था एक बार जो कि नहीं होना चाहिए था और उसने भी काफी ऐसे सपने सजाए तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम तो मेरी वाइफ हो फिर मैंने अपने आप को सोचा कि नहीं मुझे चेंज करना पड़ेगा ये मुझे इतना बोल रहा है उसने मुझे वो ऑपरेशन की अभी लेके आए का, तो का आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ उनसे इंटरव्यू ले उनके साथ बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ 11 नवंबर 1987 की बात है मुंबई के घर में एक बच्चा पैदा हुआ घर की पहली औलाद थी तो माँ को बहुत प्यार था लेकिन माँ डर गई कि कोई इसको उठा कर ना ले जाए क्यों उठा कर ना ले जाए क्योंकि ना तो वो लड़का था ना तो वो लड़की थी जो थर्ड जेंडर जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं या हिंदी में कई लोग किन्नर कहते हैं वो उस जेंडर में पैदा हुई तो माँ ने हमेशा उस बच्चे को लड़के जैसे कपड़े पहनाए लड़के जैसे ही रखा उसको बोला गया कि लड़कों जैसे ही हरकत करो स्कूल में एडमिशन करवाया गया लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसे समझ में आया कि जिस तरह मुझे रखा जा रहा है मैं उसमें नहीं रहना चाहता फिर उसने अपनी माँ को ये बात बताई आसपास वालों को ये बात पता चली कई लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा किसी ने छक्का कहा किसी ने हिजड़ा कहा किसी ने मीठा कहा घर की आर्थिक हालत कमज़ोर हुए तो पैसे मांगने जाना पड़ा कहाँ ढाबे के पास जहाँ ट्रक और बस वाले होते हैं और वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमें अपने शरीर का कोई हिस्सा छूने दो हमें अपने कपड़े खोल कर दिखाओ तो तुम्हें बीस पचास रुपये एक्स्ट्रा देंगे उस दिन वो बच्चा बहुत रोया दिल से टूट गया फिर उसको उसका गुरु मिला गुरु ने सपनों को पंख दिया और आज उनके इंस्टाग्राम पर साढ़े तीन मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे पाँच मिलियन सब्सक्राइबर्स है फेसबुक पे डेढ़ डेढ़ मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंडिया के पहली सक्सेसफुल ट्रांस मॉडल के रूप में उनकी पहचान है देश भर से लोग उन्हें शो करने बुलाते हैं अलग अलग इवेंट में जज करने बुलाते हैं आगे पीछे ऐसे घूमते हैं मानो कोई सेलिब्रिटी आया हो एक सेल्फी दे दीजिए एक फोटो खिंचवा लीजिए एक ऑटोग्राफ दे दीजिए आज वही शख्सियत हमारे साथ न्यूज़ रूम में है बहुत बहुत स्वागत है खुशी आपका बैठकी में नमस्ते सबको अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत शीकाल और सबसे ज़्यादा थैंक यू ये शो के लिए कि जिसने मुझे अप्रोच किया शो के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी शो पे आने के लिए और हरी जी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया कि इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैं न्यूज़ रूम में बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ थोड़ी बहुत घबराई हुई हूँ लेकिन आपसे जब बैक स्टेज बात किया काफी अच्छा लगा बहुत हिम्मत आई कि मतलब खुल के बात कर सकते इस बारे में तो आज आपके सामने हाजिर हूँ खुशी शेख शेख खुशी शेख पूरा नाम खुशी शेख, है इंट्रोडक्शन में मैं भूल, बोलना भूल गई थी खुशी आ, मैं ना एकदम शुरुआत से शुरू करूंगी जी, आपके जीवन के बारे में आपके जी, जीवन की जी, समस्याओं के बारे में आप किन्नर समुदाय से आती हैं तो उस समुदाय के बारे में क्योंकि हम सबके मन में ढेर सारे सवाल हैं बिल्कुल आप तो अगर आपको कोई सवाल सहज करे या आपको अजीब लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा बिल्कुल हम वहाँ पर आपको फोर्स नहीं करेंगे कि कोई ज़बरदस्ती है जवाब देने की मैंने आपके बचपन के बारे में पढ़ा आप जी। जब पैदा हुई तो आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती थी और वो डर गई कि भाई कोई उठा कर ना ले जाए क्या हुआ था बचपन में माँ क्या बताती है क्या कहानी रही आपके बचपन की माँ बताती है कि मेरी पहली औलाद है वो कैसी भी है और उसके मन में थोड़ा जब वो तो बहुत ज़्यादा जब एक बच्चा नौ महीना पेट में उस माँ किसी इंसान के मतलब किसी औरत के कोप में रहता है तो उस माँ की कितनी आ, वो होती है कि उसको उसका औलाद आने वाला है कोई मुझे माँ बोलने वाला है कोई मेरे हस्बैंड को पिता बोलने अब्बा बोलने वाला है डैडी बोलने वाला है तो उसके लिए कितने उसके सारे सपने होते हैं बात के लिए लेकिन जब इस और उस टाइम पे तो शायद इतना कुछ एडवांस होता नहीं कि लोग बता दें कि क्या हो रहा है क्या मतलब क्या है लेकिन जब औलाद हुई वो सामने आया तो वो एक पल के लिए तो उसके लिए ऐसा लगा कि शायद उसकी सारी खुशियाँ उससे छीन गई है क्या हो गया मैं से मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई लेकिन माँ तो उसका दिल माँ जैसा है तो उसका दिल नरम पड़ गया एकदम वो बोली नहीं मेरी औलाद मेरी औलाद ही है लेकिन वो कैसे भी हो लेकिन इसको मैं ज़रूर पालूंगी आगे जो होगा वो खुदा देखेगा वो ऊपर वाला देखेगा वो उस पर छोड़ देते हैं डैडी ने भी कई बार ऐसा वो एक मैन है एक माँ के प्यार में एक बाप के में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है आ, उसने बोला कि नहीं हम इनको ऐसा हो जाएगा ये लोग आएंगे ये जो लोगों ने जो ये कहानी बनाई हुई है कि आके ले जाते हैं या उठा के ले गया जैसे पता चले मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन से किन्नर के सपने में ऐसा आ जाता है कि कहीं और किन्नर पैदा हुआ है चलो उसको उठाने ले जाए ऐसा तो कुछ नहीं है कोई जादू तो नहीं होने वाला है ना कि किसी को आके कोई यहाँ पैदा हो गया चलो कोई कोई डिजिटल मार्केटिंग टीम तो नहीं थी वो टाइम पर कि जो उनको बता दे कि यहाँ कोई पैदा ऐसा कुछ नहीं होता है जबकि मेरे घर के बाजू में ही सारे समाज वाले रहते थे मेरे डैडी उनके साथ कार्ड्स प्ले करते थे टैक्सी ड्राइवर थे वो उस टाइम पर तो उनको ऐसा लगा कि शायद इनको पता चल लेकिन मेरी मम्मी की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उसने उस राज को अपनी ज़बान मतलब बंद रखा और किसी को पता नहीं चला वो बीते बीते कब छः सात साल हो गए वो ये खुद को नहीं पता लेकिन माँ के प्यार ने इस चीज़ को रोक के रखा कि वो अपने बच्चे का गला नहीं घोटा या किसी के हाथ में नहीं दिया तो छः सात साल तक आपको लड़के बि... की तरह रखा गया कपड़े वैसे पहना जी बिल्कुल 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 एकदम से मैं एकदम जैसे स्कूल जाती थी एज अ बॉय इतनी समझ तो नहीं इतना कुछ याद नहीं था क्योंकि छोटे बचपन का इतना कुछ याद होता नहीं लेकिन थोड़ा बहुत याद रहता कि मैं एज अ टाई फोटो है मेरे पास में वो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल का मेरी मम्मी लिटिल फ्लावर स्कूल में रेड पैंट रेड अरे रेड चड्डी रेड शर्ट ये पिना के भेज रही यहाँ पर एंकर चीफ रूमाल नाग बहरी होगी तो यहाँ टीका कोई नज़र ना लगा ले वो उसके अरमान वो पूरे कर रही थी वो उसकी नज़र में मैं उसके लिए क्या थी वो वही जानती थी लेकिन कैसा थोड़ा सा इन जब मुझे समझ आने गया मुझे थोड़ा सा पता चलना थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता तो मुझे आके मैं उसको बोलती थी कि मेरी मेरे ऐसी ऊपर पोनी टेल बांध सैंडल पहनाना मुझे ईद पे वो वहाँ पर वो फ़्रॉक ला के देना तो वो उसको समझ में आने लगा कि मतलब कि इसको अब समझ में आने लगे कि ये यह यहाँ नहीं बैठती है लड़कियों के बाजू में जाके बैठ जाती है और टीचर्स भी थोड़े से होने लग गए कि ऐसा कि ऐसा क्या है इस बच्चे में ऐसा थोड़ा सा तो वो उस स्टेज पर आके मुझे ऐसा समझ में आने लग गया फिर वो तो बात खुलते गई मतलब धीरे 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 इस चीज़ में खुलासा होने लग गया था कि कि मेरी हरकतें हरकती डांस करना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में लड़कियों के गाने पे डांस करना साड़ी पहनना उनके बाज़ू में जाके बेचना तो ऐसा सब होने लग गया था थो थोड़ा बहुत स्कूल में बच्चों का कैसा रिएक्शन होता था बच्चे क्या कहते थे? तभी तो हम छोटे थे तो वो तो बच्चे तो वो जो लड़के होते थे वो यू तो छोटे बच्चों को भी कितना वो रहता है कि उस तो वो भी वो चिढ़ाने लग गए थे ऐसा कि ऐसा मैं कभी कभी तो किसी का बाहर सैंडल लड़कियों का देखते वो पहन के चली जाती थी किसी के भी दरवाजे पे से कि मुझे ये अच्छा लगा मैं पहन के मम्मी की लिपस्टिक चुरा के मेरे पर्स में रख लेती थी लास्ट में उसको ऐसा लगा के मैं क्लास में जाती थी और वो स्कूल से मेरे को कंप्लेट मम्मी को आती थी कि ये क्या हो रहा है बोले ये आपके बच्चे फिर वो उसने जाके वहाँ सच समझाया कि ऐसा है ऐसा है वो ऐसी है उसके अंदर हरकतें लेकिन ये नहीं पता है कि वो ट्रांसजेंडर है उस ऐसी हरकतें है ये है वो तो थोड़ा जो टीचरों का नज़रिया तो थो थोड़ा था वो थोड़ा सा अलग होने लग गया मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मतलब कुछ बातें वो चेंजेस होना ये होना होना तो ऐसा धीरे 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 सब चीज़ें उस तरफ़ लेती ही गई मुझे आपको पहली बार कब पता चला कि कुछ तो अलग है ना मैं लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ मेरा शरीर अलग है आ, मुझे याद नहीं इस बारे में लेकिन बता सकती हूँ मैं Uh, मीनी क शायद कोई फिफ्थ क्लास में थी मैं इस बार बारे में कि डांस करने का सब बच्चों को डांस करने के लिए बोला जा रहा था तो मुझे भी डांस करना तो मैंने उठ गई कौन सा कौन मेरा पिया घर आया और राम जी पे एनुअल <laughs> फंक्शन में उन लोगों को मुझे बोला इस सॉन्ग पे आप पार्टिसिपेट करोगे बोले हाँ मैं इस गाँव इस बारे में मुझे लड़कों के गाने पर तो डांस करना आता नहीं है तो मैं तो यही गाने में माधुरी को देख देख के आईने में देख के डांस करती थी तो मैंने सोचा कि इस इसी में मैं क्यों नहीं डांस करूँगी तो वो लोग उन लोगों ने तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मज़ाक बनाने के लिए मुझे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर तो नहीं कर रहे ऐसा लेकिन मैंने एनुअल फंक्शन में वही गाने पे डांस करी मैं किसी से नहीं डरी ऐसा तो एनुअल फंक्शन मुझे ऐसा लग मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हो गया था कि मतलब कि मैं इनके बीच का हिस्सा नहीं हूँ मैं बिल्कुल कोई चीज़ अलग हूँ तो एक दिन मैंने माँ से पूछी कि मम्मी इस दुनिया में मैं ऐसी अकेली क्या और भी लोग हैं तो वो कुछ बोली नहीं वो शांत हो गए बोले नहीं नहीं बोले तू ही जाने का उनके बाजू में बैठने का ये नहीं वो नहीं ऐसा समझा मतलब बात को टाल दिया थोड़ा सा खोल कर नहीं रहता नहीं क्या बोलती वो क्या बोलती कि तू ऐसा है तू हिजड़ा है तू छक्का है तू जाके सबके सामने यही बोले क्या बोलेंगे वो लोगों की नज़र में हिजड़ा छक्का ये गाली हो गया है ना तो यही होता था अब आस पास के कोई भी नीचे आते थे ट्रांसजेंडर मैं तो उनको देख के खुश हो जाती थी दीदी 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 करके पल्लू पकड़ती वो तो समझ जाते थे तो हमारी वाला ही है बोले कहाँ रहता है ये ऊपर रहता है बोले मैं ऊपर रहता हूँ ना मेरे घर पे मैं उनको बाकायदा घर लेकर आके पानी पीने मेरी मम्मी मुझे इतना मतलब डांटती थी मुझे बोली तू इन लोगों को घर पर क्यों लेकर आई ले, क्यों नहीं लेकर आने का बोले पानी पीने के लिए उनको प्यास लगी थी ये वो और कभी कभी तो मैं लेकर आ जाती मम्मी दरवाज़ा नहीं खोलती थी फिर अंदर घर में बुला के मुझे पीटती थी बहुत कि क्यों ऐसे किसी को भी हाँ, चलते लेकर आ गई वो तो किसी को भी लेके किसको कि, किस ले आ रहा है तू घर पे अच्छा ले आ रहा है तब तो की तरफ मतलब उनकी लैंग्वेज टोन में मतलब वो ऐसे ही बात करते उनकी नज़र मतलब में कोई अगर कोई थर्ड जेंडर है तो वो शी नहीं होगा वो ही होगा ऐसा और उस टाइम पे तो कुछ इतना नॉलेज नहीं लोगों की नज़र में कि क्या है क्या नहीं तो जैसे मैं आगे बढ़ती गई मतलब कर, वो तो ये अच्छी बात होती थी कि जैसे अगर मैं स्कूल में पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी तो इस वजह से कुछ लोगों ने मतलब वो नहीं किया मुझे बट मतलब बटका बहुत ऐसे टॉपर वॉपर में आपको गिना जाता था बहुत बिल्कुल मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी आई वॉज बहुत वीक थी मैथ्स में लेकिन बाकी क्लास में मैं बहुत अच्छी थी बहुत सीसियर स्टूडेंट थी और अच्छे मार्क्स लेकर आने वाली स्टूडेंट हूँ मैं और क्लास में बैठने वाली स्टूडेंट हूँ मतलब और टीचर्स की फेवरेट थी मैं मॉनिटर थी मैं क्लास की और कोई मुझे मॉनिटर से हटा देता तो मैं बहुत रोती थी और जिद करके वो मॉनिटर वाला बैच मुझे चाहिए रहता था हमेशा क्लास कैप्टन फर्स्ट बेंच पे ही मुझे बैठना रहता था मुझे वो बिगड़े हुए बच्चों के जैसे लास्ट बेंच वाला सीन नहीं रहता था हमेशा मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठने का सीन होता था मुझे फर्स्ट से कोई सेकंड पे भी बैठा तो मैं रोना स्टार्ट कर देती मुझे नहीं मुझे फर्स्ट पे ही बैठना है टीचर के फेवरेट बच्चे वाली कैटेगरी पे हाँ ऐसा बोल सकते हैं आप फिर क्या हुआ घर पर आर्थिक हालत कैसे कमज़ोर हुए पैसे की कैसे तंगी आई घर पर और क्या आप अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ते हाँ एंजल्स पैराडाइज इंग्लिश हाई स्कूल थी कॉन्वेंट स्कूल नहीं थी वो लेकिन इंग्लिश मीडियम ही स्कूल थी वो टूटी फूटी वहाँ से सीखी हुई इंग्लिश बोल सकती हूँ मैं समझ भी सकती हूँ लेकिन इतनी कॉन्वेंट वाली इंग्लिश मुझे आती नहीं है फिर क्या घर के हालत कैसे ख़राब हुए कैसे ये सब जब अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी सब कुछ ठीक था बात आके रुक जाती है जैसे कि जैसे मैं कॉलेज गई कॉलेज तो देखो वहाँ अच्छा, स्कूलिंग पूरी हुई आपकी मेरी तक, पूरी हुई टेस्ट में हाँ बिल्कुल एंजल्स वेडाइज से स्कूल में पूरी हुई और फिर मुझे ऐसा लगता था कि सर कुछ कुछ आ, मतलब हाथ से भी हो स्कूल के अंदर इस चीज़ को लेकर जैसे जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे एक टीचर थे मैं उनका नाम नहीं लूँगी मैथ्स टीचर थे बड़े बदतमीज़ थे उनको जब ऐसा लगा कि मैं ऐसी हो ये हो तो शायद उनका जो मेरी तरफ अट्रैक्शन था वो कुछ अलग था है। वो यूज़ टू चौक लेके वो मेरी दंगली के बीच में ऐसा प्रेस करने की कोशिश करते थे पता नहीं वो क्या दिखाने के लिए उस टाइम मुझे समझ लेकिन मुझे बाद में समझ में आए कि, कि किस चीज़ के लिए इशारा कर रहे हैं मुझे आ, तो ऐसा वो सारे बच्चों को जो कोई पनिशमेंट होता था तो मैं बहुत वीक थी मैथ्स में तो वो सारे बच्चों को खड़ा करके उनके हाथ में मारते थे बट मुझे वो क्या करते थे बाहर लेके जाके पीछे की तरफ छड़ी से मारते थे ताकि मैं किसी को बोल भी नहीं सकूँ ऐसा लेकिन मैं थी बड़ी बदतमीज़ मुझे कोई अगर ऐसा कोई ज़्यादा वो करता था मैं किसी की सुनती नहीं थी मैं बहुत ज़िद्दी थी ऐसे तो तो मैंने एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया मैंने डस्टर लेके उनके सर पे मार के भाग गई अपने घर पे स्कूल में स्कूल में बिल्कुल मैंने उनके सर पे डस्टर मार के भाग गई मैं फिर क्या हुआ फिर मेरी मम्मी को बुलाया गया मैंने मम्मी को जब मैडम के सामने खड़ा किया सुपरवाइज़र मैडम के सामने कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चे ने ऐसा मार के बगा सर का खून निकल गया सर से मैंने बोला ये सर मेरे साथ ऐसा ऐसे करते थे और मुझे छड़ी लेके पीछे मारते थे मुझे मेरी मम्मी ने बोला अब बताओ क्या बोलते हो तुम लोग मतलब वो स्टैंड ली मेरे लिए मम्मी ने टीचर्स ने आपस में मीटिंग करी बोले अगर ये लोग जाके अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो ये एक हरासमेंट का केस हो जाएगा तो उन्होंने उस चीज़ को दबा दिया दबा दिया और मेरे लिए मतलब मुझे वो जब भी मैथ्स का होता तो मेरे डिवीजन मतलब बी डिवीजन के अलग टीचर थे तो मुझे उस क्लास में भेजते थे उसके सामने नहीं बिठाते थे, थे मुझे आपने कहा कि आप बहुत बदतमीज थी जो सच बोलता है जो निडरता दिखाता है हाँ। जो बिना खौफ खाए जवाब दे देता है उसको बदतमीज कह दिया जाता है बिल्कुल ये लोगों ने बोल दिया बहुत बदतमीज बाल टीचर स्कूल बी टीचर आगे बोलते बाल क्यों नहीं काट रहे मेरी फैशन है नया क्यों काटू मैं बाल बोले चोटी बना के मिले दो चोटी बनाना मैं वैसे जवाब देती हूँ वो ऐसे उन लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से जादती हो रही और उस वक्त जब ऐसा होता है ना जब हम उनको पता चलता है कि हम एक ट्रांसजेंडर तो हर चीज़ ऐसा लगता है कि मेरे साथ पार्शलिटी हो रही है न्यू फीलिंग ही आ जाती है कि हर चीज़ कि मैं ऐसे मेरे साथ करे तो हर चीज़ में मेरा नेगेटिव ही जवाब रहता है ऐसा उन लोगों के लिए थोड़ी नाराजगी थोड़ा गुस्सा हाँ एक बार हो गया तो वो हमेशा वो वो मैथ्स टीचर तो कभी मेरे सामने भी नहीं आते थे फिर क्या ट्वेल्थ तक की पढ़ाई से हुई? मैंने पास कर लिया हाँ। आ, हो गया टेंथ पास हो गई मैं सेकंड क्लास मार्क्स से पास हुई बिकॉज ऑफ अलजेबरा एंड जोमेट्री मार्क्स नहीं मिले ठीक है फिफ्टी पासिंग मिल गया मुझे लगता है भारत में हर दूसरे बच्चे की यही कहानी है कि बाकी सब्जेक्ट ठीक थे मैथ्स आते आते बहुत गड़बड़ा गया और फिर फिर कॉलेज में एडमिशन लिया फ़ीस लेने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि मेरे डैडी बाहर कौन सा कॉलेज था किस चीज का राम रंजन झुंझुन वाला कॉलेज घाटकोपा स्टेशन के एकदम सामने एकदम आर जे कॉलेज बोला जाता है बहुत फेमस कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ एडमिशन लिया सारे आज सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद था मुझे रट्टा मारने की बहुत आदत है तो आप मुझे कुछ चीज़ देंगे तो मैं याद करके तुरंत बता दूँगी तो मैंने उसी के अंदर उसमें एडमिशन लेने के मैंने मतलब वो फॉर्म फिलअप किए पैसे तो थे नहीं डैडी के पास वो सऊदी में ड्राइवर थे उनकी इतनी पगार नहीं फाइव थाउजेंड रुपीज़ में वो कहाँ कॉलेज का डोनेशन भर लेंगे लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते थे लेकिन मैंने खुद जाके खुद ही फॉर्म भरे खुद ही हर जगह अच्छे अच्छे कॉलेज़ में मैंने फॉर्म भरे ताकि मैंने कम से कम लिस्ट में नाम आ जाए तो एट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट में नाम आ गया आर जे कॉलेज के थर्ड लिस्ट में नाम आ गया और मुझे एडमिशन हो गया सिक्स हंड्रेड रुपीज़ फ़ीस था वो भी रिफंड होता है वो वापस डीडी डीडी बना के देते हैं डिमांड तो वो होता है वहाँ एडमिशन हो गया कॉलेज के अंदर और एकदम स्कूल की वही कॉलेज की एकदम सिंसियर एक भी लेक्चर बंक नहीं करना पूरे छः के छः लेक्चर अटेंड करना चुपचाप जाना ऐसा कॉलेज की कैंटीन में भी मैं नहीं चाहती थी ताकि लोग मुझे इन, मतलब नोटिस करे क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि मतलब लोग रैगिंग करते हैं ये होते हैं बट एक दिन तो ऐसा हो ही गया क्या हुआ था एक दिन तो ऐसा अब मेरे फ्रेंड्स थे वो भी अब जब एक इंसान दूसरे इंसान से तो हमारे समाज के भी कुछ उस टाइम पे मिल गए थे वो आ गए मेरे कॉलेज एक दिन उनके सामने मेरी पोल पट्टी खुल गई बट वो मतलब किन्नर समुदाय के या थर्ड हाँ, जेंडर थर्ड जेंडर की कम्युनिटी के, 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 के लोग मिल गए उनसे दोस्ती हो गई बातचीत तो वो एक दिन मुझसे मिलने ही आ गए कॉलेज में तो उस वजह से थोड़ा उनको पता चला लेकिन लोग मतलब कॉलेज में रैगिंग होता है ना बहुत होता है लेकिन ये मैंने चीज़ को देखा आपके साथ भी रैगिंग बिल्कुल था? हुआ है बहुत हुआ है ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन मेरा मुंह शांत एकदम शांत होती थी मैं फिर एक एक दिन ऐसा आ गया कि मतलब मुझे कॉलेज में एक प्रिंसिपल को जाके बोलना पड़ा था क्या हुआ था कि वो लोग मैं जा रही थी उन लोगों ने पता नहीं इतना सारा पेपर तैयार करके रखा हुआ था बलून टाइप का जैसे ये कैंटीन आएंगे तो सब लोग एक साथ इसके ऊपर करेंगे ऐसा और उस पेपर के अंदर लिखा हुआ था सिक्स ऐसा पता नहीं कौन से बैच के बच्चे थे बट वो चीज़ देखो देख के मैं बहुत अपसेट हुई थी और वो चीज़ मुझे हिम्मत बढ़ाई प्रिंसिपल के पास लेके जाने की कि ये सारी चीज़ों को मैं बताऊँ उस चीज़ के ऊपर बहुत एक्शन हुआ था एक्शन हुआ बिल्कुल एक्शन हुआ था सर ने एक लिया था टी एस वाई राम सर ने एक्शन लिया था बहुत ज़्यादा एक्शन लिया नाम भी याद है आपको हाँ अभी तो पता है नहीं फिर कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई हाँ ट्वेल्थ पढ़ी और ट्वेल्थ अच्छा आप सारा आज बताना है मुझे हाँ। कॉलेज हो गया अच्छे से कॉलेज हो गया आ, कॉले, मम्मी मुझे थ्री तीन रुपया देती थी कॉलेज जाने के लिए तीन रुपया उसके पास पैसे नहीं होते थे, थे तीन रुपये में दो रुपये में वड़ा पाव आ जाता था और कॉलेज का पासिस तो बन ही जाते वो ट्रेन के ट्रेन के वो कंसेशन होके वन ट्वेंटी फाइव रुपीज़ में तीन मंथ के पास मिल गए थे मुझे वही जाने का वही आने का वैसा ही सेम चल के जाती थी स्टेशन से घर पे अपने दस पंद्रह मिनट लग जाता था जाने के लिए तो वैसा वो तीन रुपये भी मैं बचा लेती थी कि वाले एक साथ कहीं खर्चा कर लेंगे वैसा तब तक भी लड़कों जैसे कपड़े पहना कर रखा जा बिल्कुल 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 मैं वैसे ही जाती थी टी शर्ट लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आती थी जीन्स लड़कियों वाली पहन के जाती थी ऊपर टी शर्ट लड़कों वाला पहन के जाती थी मतलब अपनी थोड़ी बन के चली जाती थी मैं ऐसा मतलब कोई तो अट्रैक्ट कर देखे तो कॉलेज में आए कम से कम इंसान देखो तो सही थोड़ा बहुत लेकिन वही चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था फिर कॉलेज स्कूल कॉलेज अच्छे से अच्छे से पास किए फर्स्ट क्लास मार्क्स से कॉलेज कॉलेज में भी टीचर्स वगैरह जो थी मै मैडम्स वगैरह जो थी वो मेरे से बहुत इम्प्रेस थी कोचरेकर मैडम हो गई बहुत सारी जो थी वो अपनी क्लासेस में मुझे ट्वेल्थ के लिए एडमिशन लेने के लिए कह रही थी ताकि उनकी क्लासेस का नाम हो हाई uh, परसेंटेज आ जाए उनकी क्लासेस कर स्टूडेंट बच्चा है अच्छे नंबर आता ऐसे इसलिए लेकिन फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो कहाँ से जाती थी मैं उनके फीस ही थे उस टाइम पे भी तो अच्छे खासे फ़ीस थे उनके तो मैंने अपनी पढ़ाई घर में ही करी अपनी लोकल टीचर्स है जो मुझे बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो पढ़ाती थी उसी को ज़बरदस्ती बोल बोल के बोल तू ही पढ़ा वो भी बेचारी ढूंढ ढूंढ के पढ़ाती थी वो तो जूनियर के जी की टीचर थी फिर भी वो पढ़ा लेती थी मुझे थोड़ा बहुत तो ट्वेल्थ तक की पढ़ाई बढ़िया हो गई बढ़िया हो गई अच्छे से हो गई फिर क्या करना था ट्वेल्थ के बाद क्या बनना ट्वेल्थ था? में था कि मेरी बहुत ये मेरी फ्रेंड थी उस वो बड़ी हमारे में बहुत बनती थी हमारी उस बेवकूफ़ के चक्कर में उसने एडमिशन लिया बाइकला कॉलेज में उस बेवकूफ़ के चक्कर से मुझे सपने दिखाए कि तू यहाँ पर आ जा रोज सुबह साथ में जाएंगे साथ में रिटर्न आएंगे और और एक ही साथ एक ही कॉलेज में मुझे नहीं पता था कि कॉलेज स्टेशन से ही एक घंटा दूर है मिलते तीन रुपये तो क्या करती मैं अब मैंने यहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट लेके मैं चली गई महाराष्ट्र कॉलेज में एडमिशन ले लिया वहाँ पर सारे ऐसे मतलब जिनको कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है ना उनको वो कॉलेज मेरा तो फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया कि बोली ये तो हाई परसेंटेज वाले फर्स्ट लिस्ट में तो वहाँ एडमिशन मिल गया मुझे कॉलेज के अंदर फिर वहाँ जाती थी रोज़ आना जाना मैं बहुत थक जाती थी फिर मतलब जैसे घर की इसके अर्निंग्स के लिए तो मैंने अपने यहाँ के मुमरा के अंदर ही लोकल स्कूल में पढ़ाने का लिए मैंने ऑफ लेटर दिया था तो वहाँ पर भी एक्सेप्ट हो गया तो आठ सौ रुपये मुझे महीना मिलता था वहाँ पर एट हंड्रेड रुपए जूनियर के जी या फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने का कॉलेज से आके मैं वहाँ के अपना आ, बच्चों को ट्यूशन, पढ़ाती, पढ़ाती। ट्यूशन नहीं स्कूल में पढ़ाती थी स्कूल में हाँ स्कूल में पढ़ाती थी मैं तो वहाँ से फिर आके फिर घर पे आके अपनी पढ़ाई करती थी ये ऐसा वैसा होने लगा बहुत मतलब मैं ऐसा मुझे ऐसा लगा कि ना बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ मैं फिर कभी कभी कुरियर का, का काम कर लेती थी एक एक रुपया वो एक कुरियर देते ना सब लोगों को लेटर्स वगैरह इंडस्ट्रियल ले एरिया में तो एक लेटर के पीछे एक रुपया मिलता था तो ऐसे में कभी कभी कुरियर का भी काम कर लेती थी तो मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठती थी मैं तो कुछ ना कुछ तो पैसे मिले खर्चे के लिए इस वजह से मम्मी को दे दूँ या वो दे दो ऐसा कि अपना खुद का खर्चा लूँ मुझसे मांगूँ कैसा उसके उसका खुद का ही नहीं हो रहा है कि उससे एक दिन एक डैडी की पगार में से हज़ार रुपया उसका कहीं गिर गया वो इतना रोई है कि मैं क्या बोलूँ आप तब तक माँ बेटी थे मतलब माँ बेटा ही था और आपकी एक छोटी बहन है जो दस वो तो वो तो बहुत बाद में ये सब के बाद में बहुत बाद में होती हूँ फिर वही हुआ कॉलेज वगैरह हो गया फिर मैं इसमें गई एक ये जो टर्निंग पॉइंट आया ये ये जो इस चीज़ को चेंज करेंगे ये था मेरे रिलेटेड मेरे एग्ज़ाम्स को लेके था <coughs> जैसे मेरे सेमेस्टर शुरू हो गए और गलती ये हो गई उस दिन पेपर था सोशियोलॉजी का और मैं पढ़ के चली गई पॉलिटिकल साइंस ऐसा हो गया और जैसे ही पेपर मेरे सामने आया वो मैं तो पढ़ के गई थी सोश पॉलिटिकल साइंस का पेपर आ गया और मैं नील हो गई मेरे आँख से आँसू निकल गए मैं बोली अब मैं पढ़ के क्या आई हूँ और रट्टा मारने वाले इंसान मुझको तो कुछ नहीं आ रहा मुझे मैं कुछ नहीं मैं थोड़ी देर बैठी 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 मेरे फेल हो जाऊँगी और वो एब बिजुक अब, अब कुछ लिखेंगे ना तो इंसान फेल ही होगा मैं बैठी क्लास ख़त्म हो गई मैं चली गई स्टेशन पे आधा घंटा एक घंटा बैठी मिली मैं कभी फ़ेल होने वाली नहीं बट आज मैं फेल हो गई मिली मुझे ऐसा लग रहा है मैं लाइफ में फेल हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ में मेरा इतना ध्यान नहीं रहा कि मैं वो पढ़ नहीं पाई इतना काम इतना क्या देख रही थी मैं तो मैं कहीं जाती थी तो किसी के यहाँ पर ऐसा मतलब हमारे समाज के लोग थे कभी कभी उनसे मिलने जाती थी मैं ऐसा तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला था कि आ, डांस करने के लिए आने के लिए तो मैं बहुत अच्छा डांस करती थी तो ऐसे मैं उनके साथ उस दिन चली गई शायद डांस करने के लिए बहुत गुस्सा आ गया मुझे मैं क्या पढ़ के गई क्या हो गया तो माँ मुझे शबनम दीदी मिले फिर शबनम दीदी शायद लाइफ के मेरे कुछ चीज़ें चेंज आने के लिए उनका एक अच्छा हाथ रह सकता है बोल सकते हैं उनको बहुत अच्छी इंसान है उन्होंने क्या हम डांस करने गए तीन सौ रुपये मिले तीन सौ रुपये लेके घर आई उन्होंने मुझे बोला तू बहुत अच्छा डांस तू मेरे साथ काम करेगी क्या मैं बिल्कुल करूँगी क्या काम करना है बोले कल फ़ोन कर मुझे अब इतना कॉइन लेके मैं दो बजे से ही खड़ी होगी वो सो रही है घर में तो मैंने वो आ, उनको फ़ोन किया वो बोले अच्छा ठीक है तू पाँच बजे तक आ जाना घर पर लहंगा वगैरह लेकर आ जाना मैं बोली ठीक है मैं आती हूँ लहंगा वगैरह लेकर तो उनको कॉल किया तो उनका घर काफ़ी दूर था तो चल के गई मैं उनके घर पर और फिर बाद में उन्होंने बोला कि देख मैं ऐसे जगह पे काम करती हूँ मैं डांस बार में काम करती हूँ तो तू करेगी क्या मैं क्यों नहीं, नहीं करूँगी मुझे डांस करने में क्या बुराई है तो मैं उनके साथ वहाँ चली गई फिर उस दिन डांस बार या डांस बार में डांस करने के लिए मैं चली गई फ़र्स्ट टाइम आ... क्या माहौल था कैसा था डांस बार एक्सपीरियंस बहुत अजीब सा था एक ऐसा लगा कि कुछ मैं दूसरी दुनिया में आई हूँ मतलब कभी ऐसा देखा नहीं गई वहाँ पर उसकी तो बड़ी रिस्पेक्ट थी जैसे मतलब वो तो बड़ी हीरोइन थी वहाँ की कार से उतरी मुझे कार लेकर उसका बैग उठाई मैं जैसे उसकी सेक्रेटरी हूँ मैं लेके वो तो वो गार्ड सलाम कर रहे हैं मैंने ये कह मैं क्या है मतलब कोई हीरोइन विरोइन तो नहीं होगी अंदर तो आए सारे जैसी वाई सारे छोटू होटू सब दीदी क्या लाओ चाय लाओ ये लाओ वो लाओ मेरी बड़ी इज्जत है इसकी दो तो। फिर वो आई जैसे मुझे लेके उसने एंट्री करी उस उनका एक अलग ही एटीट्यूड एक अलग ही जगह उनके लिए बनाई गई बैठने के लिए खीरा और आइस आ गया उनको मेकअप करने से पहले सब उनके पीछे जैसे वो हीरोइन ही आ गई वहाँ की तो सारी लड़कियाँ ना आपस में बात करने लगी लेकिन छक्का आ गया छक्का आ गया छक्का आ गया छक्का आपको देख के मुझे देख के बोले तो आपस में मतलब खसुर खुसुर खसुर मेकअप कर रहे वो लोग उनके मुंह में गुटका और वो <laughs> इतनी खूबसूरत लड़कियां मुंह के अंदर गुटका रखे वो आपस में बात कर रही है अब मैं कुछ मैं सब सुन रही हूँ बट इग्नोर करना पड़ेगा तो मैंने चुप तो छपनों दीदी उठ के चिल्लाने लग गई कि मतलब ये क्या हो रहा है बोले तुम लोग को शर्म नहीं आ रही बोले तुम लोग को तुम्हारे लो वो तो सीधा लड़ने पे उतर गई तुम्हारे घर में होगा तुम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये हो गया बोले तू रेडी हो बोले मेरे मेरे मेकअप नहीं है तो बोले फिर भी मैं ये ले जो चीज़ इसमें से ले ले अब कैसे कैसे करके रेडी हुए कैसे कैसे करके पिन लगाया ड्रेस पहना सब किया अब उन लड़कियों के सामने चेंज भी नहीं कर पा रही इतनी शर्म आ रही मुझे वो सब एक ही ग्रीन रूम है उसमें सब चेंज कर रहे हैं चेंज के फिर उसने थोड़ी हेल्प वेल्प करी बोली देख मैं तो जा रही हूँ तू आ जाना अब वो तू आ जाना बोल के तो चली गई मैं बैठी हूँ चुपचाप से अंदर ही कि कोई मुझे आके बुलाए तो सही कोई बुलाने वाला भी नहीं है फिर वो खुद ही आई थोड़ी देर बाद एक डेढ़ घंटे के बाद मैं वहाँ बैठी हूँ चुपचाप से बोली आइए बोले तू यहाँ क्यों बैठी है बोले तुक तो चलना नहीं है बोले डांस वंस नहीं करना बोले कोई बुलाया नहीं बोले बुलाना थोड़ी पड़ता अपन को खुद जाना पड़ता है फिर वो खुद लेकर गई है वो फिर वो सब रूडली बात करने लगे कौन सा गाना चाहिए क्या चाहिए चार गाना रुकना पड़ेगा इधर बैठो उधर बैठो इधर बैठो ऐसा चालू हो गया डिस्क्रिमिनेट करना डिस्क्रिमिटी बोलेंगे ना हाँ वो हा। हाँ। चालू हो गया पर वो वो अपने में लगी है उसके ऊपर पैसे उड़ रहे लाख डेढ़ लाख दो लाख उस पर वो पैसे उड़ रहे सब अपने में लगे पड़े हैं अब मैं चुपचाप से एकदम सी खड़ी एकदम उसे मासूम अब वो आया चलो कौन सा गाना तुम्हारा गाना लगा नाचने चलो अब वो गाना भी उस बदतमीज़ ने क्या किया आधा गाना से स्टार्ट किया पूरा गाने से भी नहीं चालू किया अब मे वाली मैच शुरू हो जाती जो होगा देखा जाएगा नहीं तो चुपचाप में से चलेंगे अब वो मुझे नहीं पता कि वो एक साथ वो सारे पैसे मेरे पे उड़ गए पूरे वो सारों ने पैसा उड़ाना चालू कर दिया मेरे पे जो ऑडियंस थी जो लोग देखने थे गेस्ट बैठे हुए थे सारों ने मेरे पे पैसा उड़ाना शुरू कर दिया अब जैसे पैसे ज़मीन पे गिरे वो मैं भी खुश मैं लिए मेरे डांस पे पैसे उड़ रहे हैं और सब वो लड़कियां भी मतलब कोई कोई फाइव हंड्रेड रुपीज़ कोई लड़की हंड्रेड रुपीज़ साथ में मेरे तेज देती जा रही है अब वो मैं हाथ में ही रखे सीधे कोई मेरे हाथ से छीने नहीं पैसा और पैसा जमीन पर गिर गया और एक लड़का आया उठाने के लिए पैसे को तो वो जैसे उठाने लगी मैं उसको मारने लगी मेरी तू मेरा पैसा उठा के मत अच्छा <laughs> तो शबनम दीदी ने तुरंत आके बोला कि बोले वो तेरा पैसा छोटू तेरा ही पैसा उठा रहा है तो मेरे लिए अच्छा है मेरा पैसा उठा रहा है मेरे लेगा नहीं ना मतलब गाना चल रहा है और मैं कन्वर्जेशन कर रही हूँ उनसे बोले तू डांस कर तू अपना छोड़ ये सब और उस दिन मैंने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ कमाया था एक डांस परफॉर्मेंस परफॉर्मस एक डांस परफॉर्मेंस पच्चीस हजार पच्चीस नहीं था ज़्यादा था कट आ कटिंग होके मुझे हाँ बट तो इतना लोगों के सामने खुल के नहीं आई थी मैं अच्छा बचपन में फ्रॉक व्रॉक हाँ, सब। इतना सब खुल के नहीं जिससे हिम्मत तो क्या पहली बार ऐसे लोगों के सामने डांस किया था बिल्कुल नहीं दूसरी बार पहली बार कब किया पहली बार शबनम दीदी के घर पे किया अच्छा उनके यहाँ शादियों में दूसरा यहाँ फिर तो मैं रुकी नहीं फिर तो मैं रोज जाने लग गई तो आपको डांस करना बहुत पसंद था बहुत पसंद है डांस करना मुझे बहुत मतलब बहुत पसंद है मुझे मैं ऐसा सोचू मेरा पैशन है डांस करना और डांस नहीं करती तो पैर कांपते हैं मेरे जिस दिन मैं डांस नहीं करूँगी तो किसको देख के ऐसे मतलब बचपन में किसी को ऐसे देखा था कि ये डांस करे मुझे भी बड़े होकर डांसर बनना है हाँ मैं हीरोइंस लोग को देखती थी मुझे अच्छा लगता था कि ये इतने मैं तो मुझे ऐसा लगता कि मैं पिक्चरों में काम करूंगी मैं भी हीरोइन बनूँगी मैं भी डांसर बनूँगी ऐसी लोग मेरा डांस देखना चाहिए सब और ख़ुद से ही आता गया डांस मुझे ऐसा कुछ ऐसा किसी ने मुझे कोई नहीं मैं कोई क्लास नहीं गई या मुझे कोई किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया मैंने खुद से देख के डांस सीखा है ऐसा है कोई मुझे आके कोई पसंद नहीं सब मुझे पूछते हैं अभी भी कि तुमने डांस से मैं बोली मेरे डांस में इतनी फिनिशिंग नहीं है जो आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कहीं से सीखी मैंने खुद से करना सीखा है एक दूसरे का देख देख के मैंने सीखा है डांस करना कौन सी हीरोइन पसंद थी आपको मुझे पहले डांस जब ज़्यादा पसंद था तो माधुरी दीक्षित जी मुझे बहुत पसंद थी और अभी भी पसंद है बहुत ज़्यादा और ऐश्वर्या मेरी फेवरेट है ओ सुंदर आँखों वाली लड़की हाँ तो ये डांस वांस चल रहा था फिर आप ढाबे पे कैसे पहुंची? वो कहानी क्या है वहाँ पर कैसे पैसे मांगने गई आप ये डांस वर्स बंद हो गए अच्छा डांस बार बंद हो गए जी ये डांस वर्स बंद हो गए तो मैं वहाँ जाती थी क्यों बंद हुए थे वो उनका कुछ हुआ था जो न्यूज जो आए थे होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ये शायद बंद हो गया बंद किया बीच में बंद हो गए थे थोड़े से डांस बार तो उस चीज़ को कवरअप करने के लिए मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इस चीज़ के करने के। लेकिन मैं वापस आई थी तो मैं गई थी तो मैं वहाँ पर जाती थी मतलब पैसों के लिए मैं थोड़ी सी अर्निंग के लिए जैसे मैं समाज में कनेक्ट हो चुकी थी दूसरे तीसरे लोगों के साथ में एकदम परफेक्टली नहीं हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी अब जाना चाहिए बट वो लोग मुझे लेके जा रहे थे कुछ और के लिए और मैंने देखा कुछ और कि शायद वहाँ पर गलत चीज़ हो रही है या सेक्स वर्क हो रहा है तो मुझे उस चीज़ में वो नहीं लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब तो मैंने एक ट्रक लंबी लाइन ट्रक की देखती थी तो मैं तो क्या उस उस दिन भी आप ऐसे मतलब या उस समय भी जीन्स टी शर्ट वग़ैरह डाल कर ही जाते नहीं नहीं सलवार अलग दुपट्टा अलग कमीज़ अलग कुछ समझ में नहीं आया ना क्या पहन के जाना है वहाँ पर वो तो बड़ी तैयार होकर जा रही थी मुझे जो हाथ में मिला मैंने पहन लिया उनका क्योंकि मैं वहाँ जाती थी वहाँ शबनम दीदी के कपड़े पहनती थी है ना तो यहाँ तो मैं उनके कपड़े पहन के चली गई क्योंकि मैं थोड़ा सा इस समाज में आ चुकी थी मतलब तो उनके साथ में लेकिन शायद मुझे अच्छे लोगों के साथ नहीं था मुझे सा... वो बोलते ना कि कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है ऐसा तभी मैं अच्छाई के साथ जुड़ी नहीं थी तो उन लोगों ने शायद उस चीज़ को गुमराह करने के लिए मतलब तो उनको ऐसा लगे ईजी मनी है हम जा सकते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए मैं वहाँ चली गई ट्रक मांगने के लिए तो मैंने देखा ये चीज़ मुझसे होगा नहीं क्योंकि मुझे ऑकवर्ड लगा थोड़ा सा नहीं फील है तो मैंने वो लंबी लाइन देखी थी ट्रक की मैं वो ट्रक की लाइन में बिल्कुल पूरी मंग पूरी यहाँ से लेके ला, लास्ट तक मैं पूरा मंगती थी पूरा रात भर तीन चार घंटा सात सौ आठ सौ रुपये जमा करती थी चिल्लर से रोज रात जाती रोज, थी। रोज़ रोज़ जाती थी मैं सात सौ आठ सौ रुपये इतनी चिल्लर में जमा करती थी उसमें थोड़े बदतमीज़ होते थे लोग क्योंकि आगे कुछ जो थे हमारे वाले जो आके कुछ गलत काम करते थे तो उनको ऐसा लगता है ये सारे एक ही हैं जो सेक्स वर्क करते जी हैं। बिल्कुल सही तो अपनी अपनी परिभाषा है हाँ। तो आपको सेक्स वर्क नहीं करना था मुझे नहीं ने? करना था मुझे ऐसा लगता था कि नहीं है मैं मेरे को कोई एक लाफा मार दे मैं गिर जाती थी इतनी मैं पतली दुबली थी मैं तो मैं क्या कर सकती थी अगर किसी ने मेरे साथ कुछ जबरदस्ती कर लिया या कुछ वो इस चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता था मुझे पहले एक माँ का एक ही औलाद है अगर उसको कुछ हो गया तो वो कहाँ जाएगी फिर तो इस वजह से वो अपने हस्बैंड को क्या जवाब देंगी जो उसका हस्बैंड बाहर है तो इस सोच के मैं नहीं करती लेकिन मैं वो रात भर करती थी और उसको पता था कि मैं मतलब कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ एक एक रुपया कौन देता है एक रुपया भीख मांगने से ही मिलता है तो वो रात भर मैं मांगती थी फिर बाद में आके एक आ, आ, जेरोक्स वाले की लड़की के पास बैठ के आधा घंटा टाइम पास करके चाइनीस खा के फिर मैं घर चली जाती थी फिर दूसरे दिन के लिए रेडी हो आती थी ऐसा बारिश में भीग के अपने आप को कैसे कैसे रह के कैसे अनुभव थे वो कुछ बताना चाहेंगे कुछ याद है <laughs> कोई बात नहीं अपने आप से दुखी होती थी कभी कभी ऐसा कि ये क्या जी रही हूं मैं लेकिन मैं बोली नहीं कभी हार नहीं मानी फिर हमेशा सोचती थी रात में हमेशा गॉड से कनेक्शन जोड़ती थी मैं ऊपर वाले से बात करती थी मैं तो हमेशा एक पॉजिटिव आता था, था कि शायद ये चीज़ ख़त्म होगी ये चीज़ ख़त्म होगी क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ऐसी देखी कि कई कि लोग कितने साल हो गए उसमें कोई बदलाव नहीं आया लेकिन मैंने अपने आप को सोचा था कि मुझे बदलाव करना पड़ेगा चलती गई चलती गई बस रुकी नहीं लेकिन कोई गलत रास्ते पे नहीं गई मैं तो एक दिन मिल गई बस मुझे वो मिल गई मुझे मंग रही थी ट्रक वहां पर वही तीन सौ दस के बस स्टॉप पे मैं मंग रही थी तो एक दिन बहुत तेज़ बरसात थी बहुत तेज़ बरसात हो रही थी ट्रक वाले मतलब क्या ऐसे सीधे ही पैसे दे, दे नहीं, थे? नहीं। इतने इनोसेंट नहीं है वो इतने इनोसेंट नहीं। कोई कोई ऐसे होते जो बोलते थे कि नहीं दुआ करो जैसे कोई अच्छी गाड़ी पास हो गई शादी वगैरह की गाड़ी की तो कोई रुका के दे भी देते थे हंड्रेड रुपीज़ या अच्छा शगुन पर जो बाकी? बाकी नहीं वो उठा ऊपर बुला के पूछते थे असली है नकली है दिखा एक बार अंदर आ जा एक क्या मंग रही पचास रुपये देता हूँ अंदर आ जा ये वो कभी गई नहीं लेकिन मैं कभी नहीं गई मतलब वो ये कहते थे कि कपड़े खोल के बिल्कुल 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 उनके साथ उनको साथ वो हरकत करो फिफ्टी रुपीज़ मतलब फिफ्टी रुपीज़ दे रहे मतलब उनको सब चीज़ चाहिए फिर तो ये सब बहुत होता था वहाँ उस लाइन के अंदर मतलब आप एक पहली बात तो एक रात के नजर रात के अंदर कोई अगर मेकअप करके कुछ मांग रहा है या कुछ तो उनकी नज़र में ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ों के लिए बनी है ये नाचने के लिए भी ये बनी है ये सेक्स वर्क के लिए भी बनी है भीख मांगने के लिए मतलब इसको जैसा चाहिए यूज़ करो ये हमारे लिए है उनको वो ऐसा सोचते हैं तो इसके लिए उन्होंने भी मुझे देख के यही सोचा होगा फिर कौन मिली आपको आप अभी कहाँ फिर मैं थी ट्रक में मांग रही थी अरे वहाँ बस स्टॉप पे मैं कहीं मांग रही थी तो बहुत तेज़ बरसात हो रही थी उस वक्त बहुत तेज़ बरसात और मुझे ना एकदम ठंडी भर के बुखार आ गया था और और मैंने एक जगह पे बैठ गई मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं से नहीं होगा मतलब अब नहीं मैं मांग सकती हूँ क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है मेरा एकदम मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बुखार और सब बाजू से जा रहे हैं कोई देख नहीं रहा है मुझे मतलब मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मैं कुछ हूँ ही नहीं मतलब लोग देख के जा रहे हैं कोई पूछ नहीं रहा कि इतनी कहाँ रही क्यों है काँ रही क्यों है इसको क्या हो गया तो एक रिक्शा गुजरी बाजू से मुझे नहीं पता था वो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का एक फरिश्ता मेरी जिंदगी में आएगा और वो रिक्शा मुड़ के आई और वो उसने आके मुझे नोटिस किया मतलब तो किसी ने नोटिस नहीं किया उसने मुझे नोटिस किया और उतरी वो साड़ी पहनी हुई थी उतरी वो छी मुझे कि ए तू क्या कर रही इधर पर बोले आप तुम तो मुझे जानती हो बोले जानती नहीं हो तो तू इधर आ क्या हुआ तेरे को मैं बोली बुखार लग रही दीदी मुझे कुछ कुछ मिल जाएगा क्या बोले तू बिठा तो वो लेकर गई दवा खिलाया और फिर मेरे से बात करी उसने कि कहाँ रहती है तू किसका चेला है ये बोली मैं किसका चेला नहीं हूँ बोले बोले आप मुझे घर पे लेके जाएंगे क्या मुझे तो मैं लेकर गई उसने दवा ववा दिलाई ऐसा खाना वाना खिलाया और फिर बोली जा तू अपने घर पर बोले तू बहुत छोटी है बोले तो बोले नहीं मुझे तेरे पास ही रख ले मुझे बोले नहीं मैं नहीं रख सकती तुझे तो उसने बोले तू जा और उस दिन मैं चली तो गई लेकिन मैं वहाँ रोज़ आ जाती थी रोज़ पहुँच जाती थी मैं वहाँ पर और वो मुझे रोज़ चिल्ला के भगा देती थी ऐसा कि तू जाएँ ऐसे तू यहाँ तेरे घर वाले आएंगे मुझे पकड़ेंगे कौन से बच्चे को बिगाड़ रही है ऐसा सब वो मुझे बोलती थी लेकिन मैं रोज़ पहुँच जाती थी उसके पास में डेली एक दिन तो उसने दरवाज़ा खोल ही दिया और बोली अंदर आ जा फिर उस दिन से वो दरवाज़ा मेरे लिए कभी बंद नहीं हुआ कौन है वो सलमा मेरी गुरु पूरा नाम उनका उनका नाम सलमा खान वो किन्नरमा ट्रस्ट से जुड़ी हुई है उनका एन चलता है और वो आ, लोक अदालत की पैनल जज है अभी इस वक्त और समाज सेवी का है और कई सालों से वो एच के ऊपर काम करती है और वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो जिनको जिन्होंने एच के ऊपर स्टैंड लिया काम करने के लिए और किन्नरों के फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है और अभी उनके आश्रम के लिए वो लड़ रही है जो एज जो ट्रांसजेंडर जो वो हो जाते जो मतलब बूढ़े बूढ़े हो, हो जाते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है उनके लिए वो कर रही है अभी भी वो करती है ऐसा नहीं है उनके पास आते हैं लोग तो करती है तो मतलब आप ऑफिशियली किन्नर कम्युनिटी से सलमा जी से मिलने के बाद उस जुड़े दिन से मैं जुड़ गई फिर मैं अच्छा। कभी नहीं फिर अलग हुई मैं तो हमने ऐसा सुना है मैंने मतलब जो मैंने मेरे जैसे आम लोगों ने जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला जो कभी किन्नरों से जाकर मिले नहीं देखा नहीं वो कैसे रहते हमने अक्सर सुना है कि किन्नर समुदाय के लोग सब एक साथ ही रहते हैं एक ही जगह पर रहते हैं उनके माता पिता जो होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं कि अब तुम लोग इन्हीं के पास रहो ये सब बकवास हैं जो लोगों ने ये अफवाह फैलाई है कि कोई आता है कोई उठा के लेके जाता है या लोग छोड़ के जाते हैं इसमें भी कई कई बातें हैं जो समझना बहुत लोगों के मतलब लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि ये चॉइस अपनी होती है कि आपको कहाँ रहना है अगर जिसके माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं तो उसको अपना घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं जैसे मेरे माँ बाप ने एक्सेप्ट किया मैं अपने गुरु के पास भी जाती हूँ मैं अपने मामी के मम्मी के साथ भी रहती हूँ मैं अपने फैमिली के साथ भी। अपने स्कूल फ्रेंड से भी मैं मिलती हूँ मुझे कोई कोई रोक टोक नहीं है ऐसा कुछ नहीं ये लोगों ने बताया कि हमको गुरु जाने नहीं देते हमको ये करने नहीं देते ऐसा कुछ नहीं है गुरु को जो लोग बदनाम करते हैं ऐसा करते हैं समाज वाले ऐसा कुछ नहीं और जो जिनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो बेचारे जाएंगे कहाँ तो जाहिर सी बात है वो अपने गुरु के साथ रहेंगे तो ऐसे बहुत से जो होते हैं हमारी कम्युनिटी के लोग वो सब एक साथ रहते हैं जिसको डेरा कहते हैं तो सब एक ही साथ वो उन्हीं वो एक दूसरे को अपना भाई बहन माँ बाप एक फैमिली बना के रहते हैं ऐसा तो आप डेरा में रहती हैं या अपने मैं मैं, मैं बिल्कुल डेरे पे भी जाती हूँ मैं अपने घर पे भी रहती हूँ मैं अपने गुरु से भी मिलती हूँ मेरे जितने समाज के जो लोग जितने हैं मैं सभी से मिलती हूँ सबके डेरे पे जाती हूँ मुझे कोई रोक टोक नहीं और किसी को मेरे को ही नहीं किसी को इस दुनिया मतलब इस इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर हैं किसी को कोई रोक टोक नहीं है वो सब उनकी चॉइस है उनको क्या करना है उनको सेक्स वर्क करना है उनको बधाई पे जाना है उनको सिग्नल मांगना है या उनको डांसर बनना है उनको डॉक्टर बनना है स्टडीज करनी ये सब उनकी चॉइस है कोई किसी को कोई रोक टोक नहीं है फिर क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ी उसके बाद क्या किया फाइनली लड़कियों जैसे कपड़े पहनने शुरू किए जी वैसी ढली जी बिल्कुल कैसा महसूस हुआ कैसा अनुभव था जब पहली बार वो आज़ादी मिली वो लिबर्टी मिली कि जो आप महसूस करती हैं बिल्कुल वैसे ही मैं जाने लगी बधाई पे डांस करने जाने लग गई गुरु के साथ में सब जगह में उनके हर ओकेजन्स पे जाती थी अच्छा लगता था लोग अप्रिशिएट करते थे उनकी मीटिंग्स में कभी कभी मैं चली जाती थी उनके साथ में कभी कभी ले जाती थी हमेशा उनके बड़े बड़े फंक्शंस में तो बहुत अच्छा लगता था कि मतलब इस चीज़ को मैं अपने आप को एक्सेप्ट करी लोग एक्सेप्ट कर रहे लोगों का नज़रिया थोड़ा बहुत चेंज होने लग गया था कि इस चीज़ की क्योंकि मैं जब ऐसी बन रही थी तभी मेरे आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने मेरी मम्मी से बात करना बंद कर दिया था क्यों इसलिए बात करना बंद क्योंकि इनके घर में एक हिजड़ा रहता है छक्का रहता है अगर इसके बच्चे हमारे बच्चे इनके घर जाएंगे या इनके इसके साथ खेलेंगे तो वो भी ऐसे बन जाएंगे ये उनकी मेंटली थॉट ऐसी थी और मेरी मम जो उन मम्मी की जो सगी बहन है या सगी का जो भी आसपास की बहनें हैं या फिर जो भी है वो मम्मी से मेरे बात नहीं करते थे मेरे डैडी की सगी बहन मेरी मम्मी से बात नहीं करती थी क्योंकि उनके घर में एक छक्का रहता है किन्नर रहता है उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए ऐसा आज वो मम्मी से आके पूछते उसको बुलाओ एक फ़ोटो तो निकालनी है जब शोहरत मिल गई जब नाम हाँ ये वही तो ये दिखावे के जो लोग हैं मतलब उन लोग मतलब ये दिख रहा है किसी को कोई जवाब नहीं दिया हमने किसी को कुछ नहीं बोला ये सब ऊपर वाले ने सब चेंज किया ये ऊपर वाले का ये एक मैजिक है जो उसने मेरी लाइफ में क्रिएट किया है मैं बोल सकती हूँ इस चीज़ के लिए खुशी जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी मैं पढ़ रही थी मुझे पता चला कि जैसे किन्नर समुदाय हम कहते हैं हिंदी में और अंग्रेज़ी में आमतौर तो पर लोग ट्रांसजेंडर कह देते हैं वो ट्रांसजेंडर नहीं होते वो इंटरसेक्स थर्ड yeah, तो मतलब जेंडर, असल में जेंडर वो होते जिन्होंने अपना सेक्स चेंज करवा लिया हो हाँ, कभी या बॉय टू गर्ल जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं yeah, या गर्ल टू बॉय जो होते हैं और जो ट्रांसजेंडर ही जो बचपन से होते उनको थर्ड जेंडर बोला जाएगा लेकिन हम उनको ट्रांसजेंडरी की गिनती में बोलते क्योंकि आमतौर पर क्योंकि वही बिकॉज इसका जो मीनिंग जो आ, हम अगर आउट ऑफ इंडिया कंट्री जाएंगे मेरी फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, बोलते हैं, हमारे यहाँ कोई किन्नर वर्ड नहीं है हमारे ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जैसे आपका एक ट्रेडिशन हमारा तो बरसों बरस का ट्रेडिशन है गुरु चेले का और हमारे समाज का एक बरसों बरस का ट्रेडिशन है हमारा एक अलग ही हमारी सोसाइटी है एक अलग से जिसकी लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी दुआओं के लिए लोग तरसते हैं कि मतलब आए हमको बधाई दे दुआ दे शुभ काम में आए ये सब चीज़ों के लिए हमारा ट्रेडिशन है तो लोग वहाँ तो ऐसा नहीं वो ट्रांसजेंडर मतलब उनकी नज़र में ऐसा होता है कि ये लड़का से लड़की बनी है उनके मन में यही डेफिनेशन है तो आपने कभी सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया हाँ मैंने करवाया मैंने करवाया था कैसा अनुभव था वो उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए और क्यों करवाया क्या लेकिन मैंने एज अ बॉय टू फीमेल वाला नहीं करवाया मैं ट्रांसजेंडर टू फीमेल बनने की बड़ी अरमान हुए थे मेरे ये करने के मेरे को बहुत जोन ने रोका था कि नहीं करना चाहिए ये वो बोले एक लव लाइफ होती है ना लाइफ में एक लव लाइफ होती है इंसान अपने आप को जिसके लिए चेंज करना चाहता है आपको प्यार हुआ था जी बिल्कुल मुझे प्यार हुआ था एक बार जो कि नहीं होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था मुझे ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट ज़िंदगी का आज मैं आपके सामने खुल के बोलूँगी लाइफ का सबसे ज़िंदगी का सबसे घटिया दिन सबसे वर्स्ट पार्ट जो मैं भूलना चाहती हूँ भूलती हूँ भूल जाती हूँ लेकिन मैं नहीं मैं चाहती कि ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहे ताकि मैं उस चीज़ के कभी बढ़ूँ नहीं उस चीज़ और ये मेरा देख के जितने ट्रांसजेंडर्स जो और जितने भी लोग प्यार करते हैं किसी हस्बैंड किसी लड़के के ऊपर भरोसा करते तो उनको नहीं करना चाहिए ये सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि जब वो किसी लड़की के नहीं हो सकते वो हमारे कहाँ से होंगे ये बात हकीकत है।, है ना जब वो किसी लड़की के नहीं हो पा रहे तो मैं ऐसा सोचती कि जब वो किसी लड़की के नहीं तो हमारे कभी नहीं हो पाएंगे ऐसा तो वो ऐसा वर्स्ट पार्ट था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी लाइफ में ये होना नहीं चाहिए था बहुत बुरा दिन मैंने देखा है ऐसा हुआ था एक मैं डांस बार में काम करती थी तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था अब वो रोज़ आके मुझे पैसे वैसे देते थे, थे ऐसा वैसा ये वो बहुत बातचीत होती थी फ़ोन पे ऐसा वैसा ये वो तो हमेशा मैं उससे बातचीत करती थी अच्छा लगता था एक न्यू फीलिंग आ रही थी थोड़ा सा और उसने भी काफ़ी ऐसे सपने सजाए कि नहीं आपको ऐसा मतलब आप मेरे घर पे आएंगे ये ये तुम दाली मत बजाया करो तुम इन लोगों के पास मत तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी वाइफ हो ऐसा तुम ऐसा मत करो तुम ऐसे किसी के सामने से दुपट्टा ना ऐसे जाया करो कोई लड़का तुमको देखना नहीं चाहिए अब एक इंसान जो बेशर्मी की दुनिया से घुमा हुआ है उसके साथ कभी कोई इस तरह से बात करे तो इंसान थोड़ा सा बहक जाता है मतलब आप समझ रहे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं तो मुझे भी ऐसा लगे शायद मुझे रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल रही है ये ऐसा वैसा ये वो तो मैं उस चीज़ के लिए बढ़ गई तो वो हमेशा एक वैसा ना मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभी वो मुझे डीमोटिवेट कर रहा है कोई चीज़ के लिए मतलब वो उसको शायद मुझे छोड़ना था या कुछ करना था या मेरे साथ उसका दिल भर गया था ऐसा तो उसने मुझे हमेशा डीमोटिवेट कभी कभी या वो मुझे डीमोटिवेट चीज़ के लिए बोले काश तुम लड़की होती तो तुमको घर ले जाता माँ से मिलाता था बाप से मिलाता था बहनों से मिला मतलब हमेशा ऐसा बोलने का ये बोल तुम तो डांस बार में काम करती हो ऐसा तुम तो छक्का हो ये वो सामने से मुझे बार मैं, मैं सब सह रही हूँ ये बात को क्योंकि मैं प्यार करती थी ना इस चीज़ के लिए और एक दिन फिर मैंने अपने आप को सोचा कि नहीं मुझे चेंज करना पड़ेगा ये मुझे इतना बोल रहा है तो मैं इसको वो खुशी तो दे सकती हूँ कम से कम ये मेरी लाइफ में मैंने सबसे गंदा कदम जो उठाया और मुझे ऐसा लगा और उसने मुझे वो ऑपरेशन की सेज पे ही छोड़ के चला गया मतलब वो उस दिन से कभी मुझे दिखा नहीं ऐसा इंच ऑपरेशन कैसे होता है मतलब आप ज़रा इसे विस्तार से बताइए बहुत सारे लोगों के मन में ये ये रहती है कि क्या होता है उसमें और क्या उसके लिए पहले से तैयारियां करनी पड़ती है क्या कोई दवाइयां खानी पड़ती है उसके बाद क्या बदलाव आते हैं शरीर में हार्मोनल हमको कुछ लेना पड़ता है साइकाइट्रिस्ट से हमको पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है कि इंसान पागल तो नहीं इतना कदम कैसे उठा रहा है तो एज़ मेरे प्रोसीजर के टाइम पे भी ये सब हुआ था कि दवाई तो कुछ खानी नहीं पड़ती है अभी लोगों ने निकाला है कि आप हारमोन्स लो ये लो वो लो ऐसा कुछ नहीं है आप नॉर्मल हारमोन्स लेते हैं ठीक है वो ले सकते हैं और फिर बाद में हम साइकट्रिस्ट uh, ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसके बाद वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम इस प्रोसीजर पे जा सकते हैं और कोई आसान प्रोसीजर नहीं है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर और ये बहुत हार्ड प्रोसीजर है इसको सहना बहुत मुश्किल होता है बट अगर जिसने सह लिया ठीक है जिसने नहीं सहा तो फिर नहीं हो पाता ऐसा आप बट, अपने अनुभव बताइए क्या क्या महसूस हुआ कैसा फील मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये सब के लिए कि मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ अपने आप को मैं ऐसी हो जाऊंगी मैं ऐसा करूंगी मैं वैसी बनूंगी मैं ऐसी तैयार होंगी मैं घर जाऊंगी मेरे तो सपने अलग ही थे ना मैं तो कहाँ जाने का क्या क्या सोच रही थी और पैसे कितने लगे पैसे तो फोर लाख रुपीज़ चार लाख यस yes. तो ये कोई सस्ता ट्रीटमेंट भी नहीं नहीं ये कोई सस्ता ट्रीटमेंट नहीं है लोग बोलते हैं इतना में हो जाएगा बट एक बार हम जब हॉस्पिटल जाते हैं ना तो ये सस्ता ट्रीटमेंट नहीं है ये एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट है और एक बहुत लंबा प्रोसीजर है और ये कोई आसान नहीं है मतलब हर और इसको आप एक चीज़ बता इसको आप हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं बोल सकते ये कोई हंड्रेड हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल वाला कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है ये एक मतलब वो बोलते ना तुक्का लगा दिया तो हो गया नहीं तो वो फेल है इस चीज़ के लिए शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं शरीर में काफ़ी कुछ बदलाव होता है जैसे हम अपना बहुत सारी चीज़ें हम चेंज हो जाती हैं जैसे हमारा रहना सहना हमारा अंदर का जो भी स्वभाव है और बहुत सारी जैसे बहुत सारा फेमिनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है वो सब मतलब वो हो जाता है थोड़ा सा बहुत चेंजेस आ जाते हैं पूरे फेस फेशियल फेमिनाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है इस चीज़ के लिए हमने ऐसा सुना है कि जो आ, किन्नर कम्युनिटी के लोग हैं या जो किन्नर होते हैं वो अपने ब्रेस्ट को बड़ा दिखाने के लिए या ब्रेस्ट साइज़ को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ क्रीम लगाते हैं ऑपरेशन करवाते हैं नो वी गो फॉर द सर्जरी वी गो फॉर द प्रोसीजर प्रोसीजर के लिए हम जाते हैं जैसे आ ये तो कॉमन ही है सब चीज़ों के लिए कि लेकिन ये भी चॉइस होती है कि करना नहीं करना है जैसे हमारी चॉइस से हमने किया हमने ब्रेस्ट इम्प्लान किया हुआ है तो ये एक, एक मतलब इंट्रैक्ट मतलब लोग मतलब उस जैसा दिखना के लिए मतलब अपने आप को इन्हांस करने के लिए ब्यूटी इन्हांस करने के लिए शायद ये चीज़ें की ज़रूरत पड़ सकती है अच्छा आप ग्लैमर इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं आप मॉडलिंग भी करती हैं डांसिंग जी. भी करती हैं उसके लिए क्या क्या शरीर में बदलाव लाने पड़े शरीर में बदलाव तो मेन है आपका डाइट मैं बहुत ज़्यादा डाइट करती हूँ बहुत ज़्यादा मैं बहुत कम खाती हूँ अपने आप को बहुत भूखा रखती हूँ और इस इंडस्ट्री में रहने के लिए आई एम थर्टी सेवन ना हो थर्टी सेवन ईयर्स की उम्र बट uh, मैं अपने आप को बहुत ऐसा मेंटेन रखी हूँ कि मैं थोड़ी कम ही दिखती हूँ <laughs> हाँ दिखती है मानती हूँ थर्टी सेवन के आप नहीं लगते थर्टी सेवन की हूँ मैं लेकिन मैं मैं आजकल जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी सारी की फैं फेवरेट हूँ सभी लोग मुझे अप्रोच करते हैं इस चीज़ के लिए सारी चीज़ें मैं अच्छे से मैनेज करती हूँ तो ये सब मैनेज करना पड़ता है बोटॉक्स वगैरह भी करवाना होता है चेहरे के लिए भी क्या कोई चीज़ बिल्कुल को मैं है? तो करती हूँ और मैं दिखाती हूँ मैं इस चीज़ का प्रमोशन करती हूँ जो, जो क्लिनिक्स में जा के मैं करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को इन्हांस करना ब्यूटी इन्हांस करना ज़रूरी है और मैं क्या सारे लोग करते कोई लोग बताते कोई लोग नहीं बताते लेकिन आ, खुशी किन्नर समुदाय से जब आ, हमारे कई साथी हैं जो रिपोर्टिंग के दौरान जैसे उनके पास जाते हैं बात करते हैं तो कई गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कि सेक्स चेंज ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए ये गलत है और वो उसे सही नहीं मानते वो इस बात को भी सही नहीं मानते कि आप कोई चेंज कराओ अपनी बॉडी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि जो 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 हमारे जो पुराने हैं बुज़ुर्ग है जो है वो नहीं चाहते कि वो इस चीज़ों को कुछ चीज़ एक, मतलब ये करें लेकिन ये मॉडर्न ज़माना है हम भी उनकी कभी कभी बात नहीं मान के हम कर लेते ऐसा अब अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए इंसान इन्स करता है ब्यूटी ऐसा अब उनके ज़माने में वो नहीं करते थे वो नेचुरली खूबसूरत है और आप भी देखा जाएंगे कि जो भी हमारे जो बड़े लोग हैं जो रहते हैं वो उन्होंने कुछ नहीं करवाए वो उनके नेचुरली ख़ूबसूरती उन्हीं के पास है और हम तो कैसा थोड़ा इसका देख लिया इसका देख लिया इसका देख लिया थोड़ा बहुत कर लेते ऐसा फिर खुशी कभी शादी करने का मन किया नहीं बिल्कुल नहीं किया था एक बार बहुत बुरा एक ही अनुभव जो था। बस वही बहुत बुरा ना होता है उसके बाद कभी प्यार कभी, नहीं कभी नहीं कभी नहीं और नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि लोग लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़का मतलब लड़का, लड़का लड़का शादी कर ले या लड़की लड़की शादी कर ले आई डोंट मैं बोलना किसको बुरा लगे या ना वो लगे मुझे ऐसा लगता है मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ आई डोंट बिलीव क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैंने जो देखा है मैंने जो सुना है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा क्योंकि ये चीज़ जो चीज़ जो चीज़ ऊपर वाले ने बनाई है वो वही होनी चाहिए उस अनुभव के बारे में ज़रा और बताइए क्यों आप इतना टूट गई क्या वो उसके बाद रिश्ता ही खत्म हो गया जब आप बिल्कुल गए? बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो गया मैं घर गई उसके लोगों उनसे बात करने के उनके उन उसके सामने जो इंसान साथ में रहने वाला इंसान उसके सामने उसके माँ बाप ने बेइज्जती किया बोले ये तू ये छक्के से प्यार करते छक्के को घर की बहू बनाएंगे बोले सच मर जाने के लिए तुझे इस चीज़ के लिए पैदा किए थे हम लोगों ने ऐसा सब वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सुनने मिले बहुत बेइज्जती हुई ऐसा लगा कि ये मैंने क्या किया अपनी लाइफ के अंदर मतलब टूट गई थी मैं बहुत बहुत दिल से मोहब्बत करती थी मैं बहुत बुरा लगा मुझे कि मतलब इतनी बेपना इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत करने के मतलब आपको जब ये सिला मिलेगा तो मुझे लगा मैं मुझे लगा कि एक ऐसे इंसान जिसके पास कुछ चीज़ की कमी नहीं है बट उसने उस चीज़ का तुझे एहसास दिला कि तू लड़की नहीं तू छक्का है ऐसा आपने पूछा नहीं जब प्यार किया था पूछा तो ऐसा था बोला पूछा उसने उसने बोला कि उसके माँ बाप ने बोला इसने हमारे बेटे पे जादू कर दिया जादू टोना कर दिया इसने अपने अपने अट्रैक्ट करने के लिए ये वो ऐसा लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि तेरा बेटा खुद आके हमारे बार में आके हमारे पे पैसे उड़ाता लड़की समझ के तो एक हफ्ता पैसे उड़ाया अब जरा किन्नर समुदाय के जी. बारे में बात करते हैं क्या समुदाय में हम देखते हैं कि कुछ लोग ट्रैफिक लाइट पर दिखते हैं कुछ लोग सेक्स वर्क करते हुए दिखते हैं कुछ लोग ट्रेन में दिखते हैं आप जैसा बता रही हैं कुछ बधाई लेने जाते हैं ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन क्या काम करेगा ये सब की अपनी अपनी चॉइस होती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे लोग होते हैं जैसे जिसको जो करना आप किसी को डांस नहीं आता वो क्या करेगा अब किसी को डांस नहीं आता किसी को कोई पढ़ा लिखा नहीं है कोई क्या नहीं है अब उसको ये उसको मतलब वो ऐसा ही है वो अपने घर में रह के भी क्या करेगा आपको नहीं पता मेरे को ऐसे ऐसे मेल्स आते हैं मैंने कभी कभी पढ़ती हूँ मैं डी आते हैं कि हमको हमारे घर में ऐसा वो हम किसी को बोल नहीं सकते आपको बता रहे हैं हमको आपके पास आना है हम खुल के नहीं बात कर सकते हैं हम ऐसे अंदर से अब वो बेचारे जब किसी तरह आते तो उनको स्टार्टिंग कुछ तो चाहिए रहता है ना तो कुछ अर्निंग के लिए वो कोई सिग्नल पे चले जाते हैं कोई सेक्स वर्क करता है या फिर कोई बधाई पे जाता है या कोई डांस करता है जो सक्सेसफुल की जो सीढ़ी होती है हमारे समाज के अंदर वो एकदम से नहीं मिलेंगे आपको हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं मिलने वाला जैसे हम हर चीज़ में हार्ड वर्क होते तो हैं इंसान को जब तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको कुछ चीज़ एकदम आसानी से नहीं मिलेगी तो वो अलग अलग फील्ड्स में जाना पड़ेगा बिल्कुल मैंने भी सब कुछ किया है ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया मैंने भी सब कुछ किया तो है क्या किन्नर समुदाय में भी ऐसा होता है कि किसी काम को अच्छा माना जाता है किसी को बुरा माना जाता है कि बधाई मांगना और नाचना ठीक काम है लेकिन सेक्स वर्क करना गलत काम है यह सब काम काम है कोई कुछ भी करे वो लोगों का नज़रिया है ऐसा जो समुदाय में कैसा समुदाय के अंदर ही लोगों का नज़रिया है जैसे कि कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो इस चीज़ के लिए जाते उनका अलग ग्रुप होता है और जो बधाई में जो रहते हैं जो बधाई पे जाते हैं उनका एक अलग ग्रुप होता है ऐसा और ये सब रहते साथ में नहीं नहीं सबका अलग अलग रहता है अलग सब, अलग डेरा सबका सब डेरा नहीं जो ट्रांसजें जो सेक्स वर्क करते हैं उनका कोई डेरा नहीं होता है जो बधाई पे जाते हैं या शादी ब्याह में जो मांगते हैं उन्हीं का डेरा होता है और क्योंकि वो एक ख़ानदानी ट्रेडिशन चला आता है कि गुरु चेले का डेरा होता है और डेरा जो होता है वो हमारे में एक चीज़ पाक साफ मानी जाती है डेरे के अंदर कोई जेंट्स अलाउड नहीं होता है सब हमारे समाज के लोग ही रहते हैं हम सब एक साथ मिलके खाना खाते एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते जैसे वो हमारी फैमिली है और वहाँ ट्रांसमेन होते हैं मतलब जो ऑपरेशन कराने के बाद आदमी बना हो नहीं, नहीं वो तो बिल्कुल ही अलग हिस्सा हो गया अच्छा और जैसे आप बता रही हैं सब एक साथ रहते हैं अब चाहे वो किसी भी धर्म से आ रहे हो किसी भी जाति से आ रहे हो किसी भी समुदाय से आ रहे हो सब एक साथ सब एक साथ रहते हैं हमारे अंदर जो भी जो भी तो जो भी कास्ट होती है जो भी कुछ होता है वो हमारे घर की होती है लेकिन जब हम बधाई पे जाते हैं या किसी चीज़ में जाते हैं तो हमको सबके घर का खाना खाना पड़ता है चाहे वो कोई भी हो क्योंकि बधाई सबके घर की लेनी पड़ती है और चाहे वो किसी के घर पे डांस करने जाना पड़ता हमको क्या पता वो क्या है हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है हमारे अंदर इंसानियत वाला रिश्ता है बस वही हमारे लिए काफ़ी है कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है जो भी हमारा है वो घर का हम वो फॉलो करते हैं लेकिन जब हम किसी के यहाँ मंगते हैं या किसी के यहाँ डांस करने जाते हैं किसी की नज़र उतारते हैं या किसी के यहाँ का खाना खाते है तो हम ये नहीं पूछते कि तुम कौन सी जात के क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जो इंसानियत वाला रिश्ता है ना वो शायद कहीं और हो नहीं सकता और डेरे के अंदर भी कोई जाति व्यवस्था जाति के आधार पर भेदभाव कुछ नहीं होता कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब एक ही समान है सब एक ही लोग है आप कभी आइएगा जरूर तो जो पैसा कमा कर लाते हैं या बधाई में पैसा मिलता है जैसे आप डांस करती थी जी तो क्या पैसा लाके सारा गुरु को देना पड़ता नहीं जा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्यों गुरु को देंगे ऐसा कुछ नहीं है लोगों ने ये बताया हुआ है कैसा कुछ होते हैं ऐसे जो बेकार से गुरु को बदनाम करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों हम गुरु गुरु हमारे माँ बाप जैसे होते हैं अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन उनका ख्याल रखेगा वो थोड़ी हमारे जैसे डांस करने जा रहे हैं वो थोड़ी हमारे साथ जो अभी ठीक है जो साथ में चले गए चलेंगे लेकिन गुरु थोड़ी रोज़ हमारे साथ डांस करने जाएंगे हम जैसे हमने माँ बाप का ख्याल रखते हैं वैसे हम अपने गुरु का भी ख्याल रखते हैं जो तो हम अपनी खुशी से जो उनके लिए कर सकते कर सकते जो उनके लिए आगे उनके लिए जो भी हमने रखा है या हम कर सकते हैं तो उनके लिए हम बेपनाह दिल से करते हैं ऐसा नहीं कोई ज़ोर जबरदस्ती नहीं ऐसा पर कुछ लोगों ने आई नो कुछ लोगों ने ऐसा वो करके ये सब छीन लेते हैं ये ऐसा कुछ नहीं है आप देख सकते हैं मैं कितनी खुश हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं है मुझे इस चीज़ का कभी दुख नहीं हुआ है कि मेरे गुरु ने ऐसा तंग किया ऐसा तंग किया ऐसा तंग किया बिल्कुल नहीं और वो ही आज जब से वो मिली है वो तब से आज से वही वो, वो है मैंने कभी कोई गुरु भी चेंज नहीं किया अब मैं आपके करियर पर आती हूँ आप एक बहुत सक्सेसफुल डांसर हैं मॉडल हैं आपको लोग बुलाते हैं अलग अलग इवेंट में बुलाते हैं शादियों में बुलाते हैं पहले तो डांस पे ही बात कर लेते हैं जी जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर हर डांस फॉर्म को बहुत अच्छा नहीं माना जाता अगर वो ट्रेडिशनल है डांस फॉर्म कथकली है भरतनाट्यम है तब तो ठीक है उससे इज्जत जुड़ी है कल्चर जुड़ा है लेकिन बाकी नाच गाने को बहुत दोयम दर्जे से देखा जाता है नाचने वाली एक गाली की तरह इस्तेमाल होने वाला शब्द है तो फिर आपने वो प्रोफेशन चुना और तब भेदभाव महसूस किया उस बिल्कुल मैं डांस वार जाती थी तो उनको लग रहा था कि इनके नज़र में डांस लोगों की नज़र में जो डांस वार जो होता है ना उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर लड़कियों का सेक्स वर्क होता है ऐसा बट ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर सिर्फ ये है कि हम डांस कर रहे हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं सामने बैठे लोग बस उनके सामने डांस कर रहे पैसे उड़ रहे ऐसा कुछ गलत काम वहाँ होता नहीं है लोगों ने सब बनाया हुआ है और मेरे बारे में भी लोग ऐसा सोचते कि डांस बारे में काम करती है कैसा होगा कैसा नेचर होगा ये वो लोग का नज़र ये नहीं देख रहा है कोई कि वो कितना मेहनत कर करे कितने सुबह से ले शाम तक मतलब शाम से ले रात तक सुबह तक ये डांस करती है पाँच बजे आती है ये वो लोगों को यही लगता था और जैसे अभी भी मैं शादी वगैरह में डांस करने जाती हूँ तो मुझे कोई कोई लोग पूछते भी है कि तुम अभी मॉडल हो तुम डांस करने जाती हो वहाँ मत जाया करो मैं मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि जो चीज़ से मैं आगे बढ़ी जिस दस दस रुपए से मैं आगे बढ़ी उस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकती और आज भी कोई मुझे मेरे घर तक प्रोग्राम देने आता है ना चाहे वो कोई भी हो मैं जाती ज़रूर मैं आज भी जाती हूँ और अभी भी मुझे देते हैं प्रोग्राम तो मैं आप देखे होंगे वीडियोस वगैरह मैं शादी वगैरह के प्रोग्राम को कभी नहीं मना करती कभी उस चीज़ को ऐसे नहीं बोलती नहीं मैं नहीं आऊँगी मेरा ये वो नहीं है कि ये छोटा काम है मैं और मैं कभी बोलूँगी भी नहीं आज आज तक मैं कभी कितनी भी आगे बढ़ जाऊँ लेकिन मैं इस चीज़ को कभी ये नहीं बोलूँगी कि, कि मैं नहीं आ रही हूँ मैं इन्जॉय करती हूँ उस चीज़ को और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं अपनी खुशी में हमें बुलाते हैं अपनी खुशी में शामिल करते हैं हमारा डांस देखते हैं इन्जॉय करते हैं और फिर बाद में लास्ट में बोलते हैं दुआ दो नज़र उतारो इतनी इज्जत करते हैं और क्या चाहिए आप बताइए ना और बाकी जो लोग कमेंट करते हैं ये छोड़ दो ये करो वो करो तो इस चीज़ से आई डोंट केयर लोगों का काम है बकवास करना और वो ज़िंदगी भर करते रहेंगे कमेंट बॉक्स जो होता है ना वो अच्छे बुरे के लेता है जो अच्छा कमेंट रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो बुरा कमेंट रहेगा वो हमेशा उन नीचे लोगों के जैसे नीचे ही रहेगा मेरी नज़र में खुशी की सक्सेस स्टोरी या जिस तरह से आज उनके फैन फॉलोइंग है उसके पीछे भी उनके इस डांस का ही हाथ है टिकटॉक से पहले फेमस हुई फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब इस्टोरी हर जगह पर बताइए इसकी भी स्टोरी है फेमस होने की बताइए एक अब आज बात करें तो बता ही दंगी टिक टिकट से पहले था डब स्मैश म्यूजिकली था म्यूजिकली से पहले था डब स्मैश और और मैं अपने आप में गो मतलब वो थी उलझी मतलब अपने पैसे कमाने में ये जाने में एक दिन भी छुट्टी ऑफिस की मतलब मैं डांस वर्क की एक दिन भी छुट्टी नहीं करती थी मुझे अच्छा लगता था कि रोज़ जाओ मैं पैसा कमाऊँ मैं आऊँ फिर आराम करूँ फिर ऐसा ऐसा तो वो डब्समैश चालू हो गया वो लिपसिंग वाला उसमें देख देख के करने लगी फिर वो बंद हो गया फिर म्यूज़िकली आया टिकटॉक से पहले म्यूज़िकली आया आ, लोग वीडियोस बनाते थे तो मैं भी हम भी ऐसे वीडियो बनाने लग गए 49 फॉलोवर थे 49 आ, और ऐसी रोज़ कभी कभी एक हफ्ते में एक वीडियो बना दी और छोड़ दिया तो एक दिन मैं नरीमन पॉइंट पर थी आ, नरीमन पॉइंट पर रात को ढाई बजे की बात है मैंने क्रीम कलर का सूट पहना हुआ था हम कहीं घूम रहे थे नरीमन पॉइंट पर ट्राइडेंट के नीचे ही बैठ के और खूब तेज़ हवा चल रही थी और है ना मैंने मेरे किसी चेले को या किसी फ्रेंड चेले को बोला बे तू एक वीडियो पकड़ ले अपनी गाने पे वीडियो बनाते हैं मेरी वीडियो बनाना मेरे हवा अच्छी चली दुपट्टा अच्छा वैसे उड़ेगा अब वो वीडियो बना दिया और वो गाने पे था तेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी अब वो मैंने वीडियो बना के रात को पोस्ट कर दिया सुबह देखी तो मेरे फॉलोवर्स हैं नाइन फोर्टी के एक दिन में एक कुछ घंटे में कुछ घंटे नाइन फोर्टी के बारह साढ़े बारह बजे शाम को छह बजे आते आते तो वन मिलियन हो गए थे तो फिर यही न्यूज हो गया सब लोग मुझे पूछने लगे सब लोग सब लोग मतलब वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का सब लोग मुझे बोले तेरी वीडियो वायरल हो गई ये हो गया वो हो गया उसमें कमेंट्स भी दे क्या मतलब अच्छे बुरे कमेंट तो रहते ही लोगों के फिर मैं वीडियो बनाना स्टॉप नहीं करी फिर मैं कंटिन्यू रखी इस चीज़ को

कुछ ऐसे हैं जो ये लिखते हैं कि बच्चे दूर रहें ऐसे लोगों को देख कर वो अपने आप ही बच्चों को खुद दूर कर दे पहली बात तो इंस्टाग्राम क्यों खोल रहे हैं देखने के लिए मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कोई लिख रहा था कि ये बहुत अच्छी इंसान हो सकती थी इनका कंटेंट और काम बहुत घटिया है लोग इसे अच्छा उनकी जो परिभाषा है अच्छे काम की ये नहीं मानते आप इस पर क्या राय रखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई काम वाम तो होगा नहीं शायद वो उनके नज़रिए से सोच भी रहूँगी कि बच्चों के सामने डांस करना ये करना लेकिन हम तो किसी को बोलते नहीं कि बच्चे वहाँ बिठाओ अब वो सारे ही आके बैठ जाएंगे अब कोई डांस देख रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई अश्लीलता तो नहीं हो रही है वहाँ पर और वो लोग अपने फंक्शंस में हमें इसीलिए बुलाते हैं ताकि वो उनका लाइफ में एक ज़िंदगी में एक बार शादी होती है तो लोग अपना हर मोमेंट इन्जॉय करना चाहते हैं तो वो शायद मेरे साथ वो उस डांस मोमेंट को इन्जॉय करें बट लोग ये सोचते नहीं लोग जो होते हैं वो सिर्फ बोलते हैं कि ये गलत है ये गलत है अगर हर चीज़ गलत हो गई तो फिर मुझे ऐसा लगता है वो उनकी लाइफ ही शायद गलत होगी सिर्फ वो ऐसा बोलते हैं आपने अपनी मम्मी के साथ एक फ़ोटो डाली थी जी जिसमें आप हिजाब भी पहनी हुई है घबरा के लिए गई थी मैं तो उस पर किसी ने लिखा यू आर अ मुस्लिम वाई डू यू डांस आप नाचती क्यों हैं ये मेरे और मेरे और अल्लाह के बीच की बात है तो तीसरा ना ही बोले तो बेटर है मेरा ये कमेंट होगा इस न्यूज रूम में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जल्दी से वो सवाल ले लेते हैं फिर उसके बाद ऑडियंस के जो रिएक्शन आए हमने जब आपके बारे में पोस्ट किया कि खुशी जी आने वाली है वो सवाल लेंगे हाय खुशी आ, मेरा सवाल ये है कि आ, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं आप एक्टिव है, भी होंगी जी अभी आप बात कर रही थी मिक्स कमेंट्स की सोनल ने कई सारे कमेंट्स भी जी, आपको जी, बताए जी, तो कभी ऐसा टाइम आया होगा या अब अभी भी ऐसा समय कभी आता होगा जब वो कमेंट्स पढ़ के आपको दुख होता होगा वो मेंटल पीस वो एंजाइटी वो होती होगी तो उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या करती हैं मतलब फिल्में देखती हैं गाने सुनती हैं या आपका कुछ और तरीका है उससे डील करने का या अब आपको इफेक्ट ही नहीं करता ये सब पहले इस चीज़ को मुझे बहुत इफ़ेक्ट करता था कि लोगों के कमेंट्स होते थे ना मैं उनसे जाके कमेंट्स में पहले लड़ती थी कि मतलब उनके स्पेशल डी में जाके उनको भी मैं स्टार्ट कर लेती थी कि आप ऐसे कैसे लिख सकते ऐसा ये वो आ, मैं लेकिन मैं इस चीज़ को है ना अभी बहुत इग्नोर करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जिनके पास कोई टाइम नहीं होता जो चौबीस घंटा घर में बैठे रहते हैं वो ही इस चीज़ को लिखते हैं कि बुरा बुरा चीज़ ऐसा मतलब कि ये ऐसी है ये वैसी है ये इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए ये ऐसा है इसको तो ऐसा हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है ये पहले तो बहुत ज़्यादा होता था ऐसा कमेंट में फिर एक दिन मैंने अपकर, अपने आप से वादा की कि चाहे कितना भी बुरा कमेंट हो उसको जवाब नहीं देना है रिप्लाई नहीं करना है देख के अगर गुस्सा कितना भी आए उसको कंट्रोल करना अगर इस चीज़ को अगर तुमने कंट्रोल कर लिया मैंने अपने आप को बोल रही थी इस चीज़ को अगर कंट्रोल कर लिया तो सारी दुनिया की चीज़ें मैं हासिल कर सकती हूँ मतलब हर चीज़ मुझे मिल सकती है और मैंने वो चीज़ अपने आप पे बहुत कंट्रोल करी मैंने ऊपर वाले से वादा करी कि चाहे कितना भी बुरा नेगेटिव कमेंट क्यों ना हो कमेंट क्यों ना मैं इसको रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ कॉमेंट के इतर जैसे हम लोगों के साथ होता है ना हम कहते हैं कि आज बहुत ख़राब दिन था यार अब घर जाके मैं कोई फिल्म देख लूंगी या गाना सुन लूंगी या थोड़ी देर डांस कर लूंगी या कुछ अच्छा खा लूंगी तो शायद मैं उस जोन से बाहर आ जाऊं और मुझे अच्छा महसूस हो तो जब आपके साथ ऐसे होता है जब आपको लगता है आज बहुत ख़राब दिन है तो आप उस फिर क्या करती हैं ख़ुद को अच्छा महसूस कराने के आई प्रे नमाज आई टॉक टू अल्लाह मैं नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ और फिर मैं उससे बात करती हूँ फिर फिर वो और मैं ही बात करते हैं फिर मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ सारी नेगेटिविटी मेरी ख़त्म हो जाती है फिल्में देखती हैं आप बहुत कम नहीं देखती हूँ फिलहाल तो अभी नहीं देखती हूँ बहुत काम रहता है मैं नहीं देख पाती हूँ मैं फिल्में शुक्रिया मेरा सवाल ये है कि आ, आपकी जेंडर आइडेंटिटी के इतर क्या आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर आपको ट्रोल किया जाता है या ऐसे नेगेटिव कमेंट आते हैं बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि आप मुस्लिम रह के आप डांस करती है आप आ, अभी मैं लेटेस्ट के लिए मैं जो भी मैं जहीं पर भी जाती हूँ या कहीं दरगाह पर मैं चली गई तो बोले अभी अभी ये डांस कर रही थी अभी दुपट्टा होकर अपनी बहुत आपको बहुत शरीफ ज़्यादा समझ ऐसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं बट जो मुँह पे बोलने वाले वो कोई नहीं बोलेंगे सब ऐसा पीछे कमेंट पास करते लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है मैं उनको एक जवाब दे दूँ कि आप मुझे दस करोड़ रुपये दे दो मैं घर पर बैठ जाऊँगी मैं काम नहीं करूँगी सही जवाब था ना ये मेरा मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम ऐसा हो मैं भी एक दिन भी तुम मेरा काम करके देखो या तो अपने घर पर ही काम पर रख लो मुझे दे दो मैं जितना कमाती हूँ मेरी मम्मी की दवाइयों का पैसा या जो भी मैं घर का जो भी है मेरा जो भी है वो कोई मेरा पूरा कर ले तो मैं क्यों करूँगी ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी मैं घर में इबादत करूँगी मैं अभी भी करती हूँ मैं ऐसा नहीं करती मैं करती हूँ मैं बिल्कुल करती हूँ मैं अल्लाह से बहुत डरती हूँ लेकिन लेकिन जो बोलते हैं ना ये डांस नहीं करना चाहिए नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले का दिया हुआ ही रिस्क है और मैं उस पर जाती हूँ पैसा कमाती हूँ कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता ठीक है थैंक यू आपकी बातचीत में सुन रहा था कि आप प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा नफ़रत अब आपके मन में आ गया है कि आप प्यार नहीं करना चाहती किसी से अब मैं जानना चाहता हूँ सेम सेक्स मैरिज पे आपका क्या ख्याल है अभी जो सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और बाकी जो ट्रांसजेंडर को गोद लेने का अधिकार नहीं है उस, उसको लेके मैं बड़ी जो भी जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो एक बार आके मेरी स्टोरी सुन लें वो दो भी यही बोलेंगे कि हम दोबारा शादी नहीं करेंगे नहीं 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 मेरा सवाल ये है कि मतलब बहुत लोग करना चाहते हैं सेम सेक्स मैरिज वो उनकी चॉइस है वो उनको करना है नहीं करना है तो आप करना सरकार, है? से, क्या हाँ, कि सरकार से, से क्या चाहती हाँ सरकार से क्या चाहती है कि मैं इस चीज को नहीं बढ़ावा देना चाहती क्योंकि मैं मेरे साथ जो हुआ है और मेरे साथ जो गुजरी है और जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वर्स्ट मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं एक पार्टनर चॉइस करना चाहती थी पार्टनर के साथ रहना चाहती थी और उसके साथ मैं एज़ अ फैमिली बन के रहना चाहती थी बट इसका सब कुछ अपोजिट मेरे साथ हुआ है मैं एक हाई स्टेट एक हाई लेवल से लेके मैं एकदम नीचे गिर गई क्योंकि मुझे पता चला कि शायद ये नहीं होना चाहिए था और ये गलत है और ये चीज़ के लिए मैं बनी नहीं हूँ मैं फिर से एक बार सवाल को फ्रेम कर रहा हूँ मुझे लगता है आप सवाल शायद नहीं समझ पा रही हैं जो एल कम्युनिटी के लोग हैं मतलब जिनको प्रोटेक्शन चाहिए सरकार जिनको साथ में किसी के साथ रहना है उनको सरकार से प्रोटेक्शन चाहिए कि आप एक कानून बनाएं जो सेम सेक्स मैरिज की दलीलें थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया कि इस समाज में आप शादी के स्ट्रक्चर में नहीं नहीं रह सकते हैं तो उसको लेके आप क्या सोचती हैं आप अपना पर्सनल इस पर थोड़ा सा हटा दीजिए उसके बाद बताइए कि एक हाँ कोई है, कोई है, कोई लेस्बियन है 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 गे ट्रांसजेंडर वो एक किसी के के साथ शादी रिश्ते में रहना चाहता है सिर्फ ऐसे रिलेशन में नहीं जो दोनों वाकई करना चाहते हैं अब कोई दो हैं जिनके बीच में भरोसा है उनकी चॉइस है ना कि वो रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है अब उसके आगे मैं क्या बोलूँ मैं मैं कुछ नहीं बोल सकती लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ हिसाब से बोलूंगी कि मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती हेलो खुशी मेरा नाम उपासना है जी सबसे पहले आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं सबसे पहली चीज़ so दूसरी चीज़ ये कि मैं जो सवाल पूछने जा रही हूँ मैं वहाँ बैठी थी तो मैं शायद सुन नहीं पाई कि पता नहीं इस पर सोनल ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है या नहीं अभी हाल के बीते दिनों में हम लोगों ने देखा है कि एक ट्रेंड है जो भी हम सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हैं वो एल कम्युनिटी पर बन रही हैं उनको फोकस में रख के कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपकी कम्युनिटी से कि हम लोगों को क्यों नहीं लिया जा रहा है हम खुद वो रोल प्ले कर सकते हैं आपका क्या ठीक है इस पर बिल्कुल सही बोला है जिसने भी बोला है बहुत लोगों ने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे मतलब जितने टैलेंटेड जो ट्रांस हैं जो हमारे कम्युनिटी से हैं और मेरे साथ के जितने भी कलीग्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं या हमारे चेले हैं कोई भी है जो भी फ्रेंड्स में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है मतलब मैं तो एक एज ए इन्फ्लुएंसर मॉडल लेकिन जो भी ऐसे है, बहुत सारे जो एक्टर भी है बहुत सारे छोटे मोटे रोल भी किए हैं बट उन अगर ये जो रोल जो ट्रांसजेंडर का रोल जो किसी मैन को दे दिया जाता है या किसी वुमन को दे दिया जाता है अगर एक चांस किसी ट्रांस एक्ट्रेस को दे दिया जाए तो वो बहुत बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि एक मौका मिलना ज़रूर चाहिए और यही होता आ रहा है कि कोई मौका नहीं मिलता है इस चीज़ के और यही चीज़ की वजह से हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं और तो क्या आप लोगों ने अपने लेवल पर कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि हम एक कम्युनिटी बने क्योंकि एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी होगा उसके लिए ये पिक करना हमारे बीच में ही बहुत सारे लोग हो सकता है टैलेंटेड होंगे लेकिन किसी एक को पिक करना मुश्किल होगा क्या आपने कोई कम्युनिटी बनाने के बारे में सोचा है कि हमें कोई यूनियन बना देते हैं कोई मंच या प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहाँ पर जिन लोगों को एक्टिंग में इंटरेस्ट हो अदर टैलेंट में इंटरेस्ट हो ताकि कि किसी को अगर लेने का मन हो तो उसके लिए आसान हो उन लोगों के पूल में से चुनना बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ के लिए मेरी गुरु इस चीज़ के लिए काम कर रहे थे अभी कुछ सीरीज आने वाली थी जिसमें लेने वाले थे ट्रांस जैसे लक्ष्मी मूवी आई थी तो उसमें हमारे सारे ग्रुप के लोग थे जिसमें से मेरी जो एक कलीग है जारा उसने शरद कपूर के साथ में काम किया उनकी बेटी बनी है वो हमारी कम्युनिटी मेरे साथ ही कलीग ही है वो भी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद शरद कपूर सर का रोल भी किसी ट्रांस को मिलता तो ज़्यादा बेटर होता था और एक आगे हमको एक स्टेप आगे जाने का मौका मिलता था ताकि एक काम मिलता है तो सौ काम मिलना शुरू हो जाते हैं क्या दो मतलब दो वजहें मुझे नज़र आ रही हैं क्या कि एक कम्युनिटी वाइज आप अपने आप को अपलिफ्ट कराना चाहती हैं वो या फिर आपको लगता है कि वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है कुछ चीज़ मिसिंग है बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है इस चीज़ को और शायद ये स्ट्रगल बहुत दिनों से चल रहा है क्या आ, क्या स्ट्रगल है कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अभी वो पर्दे के पीछे छिपी रह जाती है जो आप चाहती हैं कि वो रियलिटी वो है जस्ट बिकॉज ऑफ ही लोग आगे आने नहीं देते ना कि कि आप ये रोल नहीं कर पाएंगे या पता नहीं उनका क्या आपस में है मुझे ये आज तक समझ में नहीं है कितने सारे ऑडिशंस दिए जाते हैं या कितने सारे उस चीज़ के लिए फाइनलाइज किया जाता है बट एंड मोमेंट में आके इस चीज़ को कैंसिल की जाती है मना कर दिया जाता है और ऐसा बहुत बार हुआ है थैंक यू सो मच खुशी विश्व द यू इसी पे बस एक सवाल में और हाँ, जोड़ना चाहूंगी मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि सपोर्ट वगैरह तो ठीक है लेकिन हमें चाहिए। हाँ, equal rights. Equal rights आज तक नहीं मिला है बहुत कम खुशी आप तो अब इतनी सक्सेसफुल हो गई तो अब क्या लोगों का नजरिया बदला है आपके प्रति या अब भी देख के लोग ऐसे खुशफुसा के बात करते हैं देख लोगों का नज़रिया बदला है आ, कभी कभी ऐसा कभी मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ आपको कभी कभी लोग जब आपस में जैसे हमारे साथ पहले जैसे हुआ है ना कि लोग खुशपूस आते हुए क्योंकि तो पहले वो लोग आपस में ही बात करते थे देख 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 छक्का है इजरा है तो वो ना चीज़ें दिमाग में बैठी है पर अभी भी कभी कभी ऐसा लोग खुशपूता तो ऐसा लगता है कि ये शायद मेरे बारे में बात तो नहीं करा है लेकिन नहीं फिर कभी कभी ऐसा लगता है नहीं हमें दूसरा सोचना भी चाहिए कि मतलब ये वो ये बोला कि नहीं वो खुशी है देखो वो फेमस है ये कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ में बट कभी कभी इग्नोर करती हूँ और जो आप क्या बोल रहे थे कि अभी भी कैसा होता है कि आवाज़ सुन के या कहीं देख के कोई अलग तरीके से बिहेव करे या घूर के देखे या आपको नज़रों से समझ में आ रहा है कि ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं इनको लग रहा है होता है हमेशा फ़्लाइट में तो मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मेरे साथ इस तरह से बा होता है कोई देख रहा है और हमेशा खुशपुसानी बात तो होती भी है कई बार तो ऐसा था कि मैंने अपने कानों से भी सुनी है कि लोग बात कर रहे हैं आपस में कि ये ये जो चीज़ है ना आपने जो बोली है, आ, अच्छा आपने मुझसे पूछी कि लोग बोलते हैं कि मतलब खुश ये खुशफुसाते वो ये बोलते मैंने दो तीन बार नोटिस किया उन्होंने बोलते कि ये वो ही ना इंस्टाग्राम पे नाचती है हाँ मैंने दो तीन बार सुना है तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हैं मैं उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेकिन मुझे पता है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये क्या है फिर वो खुद ही आएंगे फोटो लेने के लिए बोले आपको मैंने देखा है बहुत अच्छा डांस करती है लेकिन जो वर्ड्स उन्होंने आपस में डिसाइड बात की बोले ये इंस्टाग्राम पर नाचती है ये है वो है इज्जत नहीं है हाँ ये अभी दुर कभी उनको क्या ऐसा लगता है कि इनको कोई भाषा आती नहीं है अब मुझे बंगाली समझ में आती है मराठी समझ में आती है पंजाबी समझ में आती है वो आपस में बात करेंगे उनको उनको ये नहीं पता कि मुझे समझ में आ गया ये क्या बात की है खुशी किन्नर समुदाय के लोगों को देखते ही ना लोगों के मन में या लोगों के दिमाग में कुछ इमेज सेट हैं कि या तो ये मांगने जाते होंगे या नाचते होंगे या सेक्स वर्क करते होंगे जी कोई उससे बाहर नहीं निकल पा रहा कि हो सकता है ये किसी दुकान में काम करते हो सकता है ये लॉयर हो, हो सकता है कि ये मॉडल हो वो इमेज कैसे टूटेगी इमेज जो इसके लिए जा मतलब इंसान को ना जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और और जैसे आज की यूथ के लिए मैं बात करूँ जो आज के जो यंग जनरेशन हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बात करते हैं और जो कॉलेजेस के बच्चे होते हैं वो हमको इस चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं कभी कभी अपने एनुअल फंक्शंस में आने के लिए मेरे पास मेल्स भी हैं लोग बोलते हैं कि आप आइए हमको इस चीज़ पे टॉपिक पे बात करना है आप आइए अब कुछ बात करिए इस चीज़ के ऊपर ट्रांसजेंडर्स के ऊपर एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर आप आके बात कॉलेजेस में लेक्चर्स दीजिए इसके ऊपर ऐसा मैंने कई बार देखा भी है आ, बोला भी है लोगों ने मुझे लेकिन जो पुराने जो लोग हैं उनका शायद नज़रिया नहीं चेंज हुआ वो आज भी यही सोचते कि ये यही है कुछ सवाल ऑडियंस के हैं जो हमने कार्ड पोस्ट किया था उससे आए हैं अभिषेक कुमार ने पूछा है कि आप अपने आसपास जब छोटे बच्चों को देखती है तो बचपन की वो कौन सी बात याद आती है जिसे बदल कर आप सही करना चाहती हैं इसमें मैं अपना एक सवाल और जोड़ देती हूँ किसी के घर में जब कोई ट्रांस पैदा हो या इंटरसेक्स बच्चा पैदा हो जो ना लड़का हो ना लड़की हो उनको क्या करना चाहिए कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए कैसी पेरेंटिंग करनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा उनके पेरेंट्स जो होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स को उन, उन माँ बाप को अपने बच्चे को समझना चाहिए क्योंकि वो भी आपके जिसम का एक हिस्सा है और वो आपकी कोख से निकला है वो आप ही का खून है तो आप एक बार एक इंसानियत की नज़र से उसको एक बार ज़रूर देख लेना एक माँ की नज़र से एक ज़रूर देखना मैंने कई बार ऐसा सुना है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी इज़्ज़त के लिए बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं किसी की यहाँ पर या कहीं पर ऐसा हुआ है बट uh, uh, लेकिन लोग माँ बाप को अपने पेरेंट्स बैठ के ना इस चीज़ पे अपने बच्चे से बात करनी चाहिए अगर एक दूसरे से हम बात नहीं करेंगे अगर इस चीज़ को आप छुपा कर रखेंगे तो ये बहुत चीज़ें बिगड़ जाती है फिर ना वो माँ बाप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं ना वो बच्चा इस चीज़ को एक्सेप्ट तो मजबूरन बच्चे को फिर अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है तंजीम ने पूछा है कि आपने आपकी कम्यूनिटी ने कभी किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाने का सोचा ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार कोई वैकेंसी नहीं लाती इस पर आप लोग क्या सोचते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सरकार ने बहुत सारे काम रखे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए और आप अभी अभी तो स्टार्ट ही किया हुआ है जैसे मेरी गुरु लोक पैनल दत्त लोक अदालत की जज है पैनल मेंबर है और वो एन में काम करती है और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ी हुई है तो और वो पढ़ती भी है उसने अभी अभी ये एज में उन्होंने अभी पी भी किए कर लिया है चॉइसेस सब अपने ऊपर है ऐसा एक आखिरी सवाल खुशी ने पूछा है कि आपको लगता है सोशल मीडिया नहीं होता तो आपकी लाइफ में कोई मुश्किल होती सोशल मीडिया क्या है? होने से आपकी लाइफ में क्या क्या बदला है फेम मिला है लोगों ने जाना है पहचाना है और बहुत सारी हमारी जो समाज की चीज़ों से लोगों ने इंट्रैक्ट किया है कि इन इनके अंदर भी कैसा है? मतलब लोग रहते हैं कैसे बात होती है क्योंकि हर चीज़ हम सोशल मीडिया पे खुल के बता देते हैं हम आज यहाँ गए आज हम इनके पार्टी में आए हम यहाँ डांस करें यहाँ दुआएं दे रहे हैं यहाँ ये कर रहे हैं सारी चीज़ें हम एक सब चीज़ों को लोगों का पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू तो। आखिरी सवाल है आपको क्या चीज़ सबसे बुरी लगती है जो आप चाहेंगे कि, कि किसी ट्रांसजेंडर या एल जी की वे आई से आने वाले व्यक्ति के साथ ना हो ना सुनना पड़े बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ और क्या बोलूँगी मैं कि कोई किसी से प्यार नहीं करना चाहिए ये नहीं होना चाहिए आपको धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा एक बहुत बुरा हो सकता है तो मैं ये लोगों को बोलूँगी कि आप अपना ख़्याल रखिए अपने आप से प्यार कीजिए एक तो बड़ी मुश्किल से हमको ये लाइफ लोगों के समाज में लोगों के साथ रहने को मिलती है और एक साथ हम मिलते एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारी लाइफ इतनी आसान नहीं कि किसी के लिए हम ये लाइफ ख़त्म कर दें बहुत शुक्रिया खुशी वक्त देने के लिए यहाँ तक आने के लिए और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात के साथ ये बातचीत खत्म हुई कि आप खुद से प्यार करिए दूसरों के बारे में सोचिए जब आप सोशल मीडिया पर किसी की रील देखते हैं किसी की तस्वीर देखते हैं या अपने आसपास किसी को चलते हुए देखते हैं या ट्रेन में किसी को अपने बराबर की सीट में बैठे देखते हैं तो कोई कमेंट पास करने से पहले कोई बात कहने से पहले ये सोच लीजिए कि उसका उस इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एक बात उसको कितना चुभ सकती है उसको किस हद तक मजबूर कर सकती है वो कि वो ऐसे फैसले ले, ले? मुझे उम्मीद है कि कोई भी नेक दिल इंसान या कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से कोई इतना एक्सट्रीम फैसला ले जानबूझ कर तो ऐसी बातें नहीं करेगा बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी आप खुशी के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित और आलिश थे जिन्होंने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया बहुत शुक्रिया खुशी थैंक यू